अच्छा, काम करना है। ठीक है जुनैद, स्टार्ट लें। बिस्मिल्लाह। जी सो पाकिस्तान अफेयर्स का काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं। आपने आई होप कि बाय नाउ सिलेबस वगैरह देखा होगा, तो उनमें से एक जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो इकोनॉमी के ऊपर है। सो ऑलमोस्ट ऑल द टाइम्स इकोनॉमी के ऊपर कोई ना कोई सवाल ज़रूर आता है। तो ये थोड़े से नोट्स वगैरह हैं जो मैंने आउटलाइन वगैरह बनाए हुए हैं इकोनॉमी के हवाले से। तो लेट्स जस्ट डायरेक्टली स्टार्ट विद दीज नोट्स। सबसे पहले तो ये देखें कि इंट्रोडक्शन में सबसे पहले आप जब भी इकोनॉमी के ऊपर सवाल आए या इस तरह से कोई क्यूरेटिव मेजर्स लेने के लिए, क्यूरेटिव से मतलब ये है कि आपसे कोई रिकमेंडेशंस पूछी जाएं कि पाकिस्तान की इकोनॉमी को हाउ कैन वी इंप्रूव द इकोनॉमी, ठीक है। तो हमेशा सबसे पहले थोड़ा सा इस सवाल में जाने से पहले मैं आपको थोड़ा स्ट्रक्चर बता दूं कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में या वैसे भी इवन जब आप बात भी करते हैं तो यू नीड टू गिव सम बैकग्राउंड, यू नीड टू गिव सम इंट्रोडक्शन कि उससे पहले किसी को आपकी बात समझ आए कि आप किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं, आपकी ऑडियंस क्या है, आप इकोनॉमी को अगर डिस्कस कर रहे हैं तो आप क्या इंटरनेशनल लेवल पे कर रहे हैं, डोमेस्टिक लेवल पे कर रहे हैं, पाकिस्तान के लेवल पे कर रहे हैं, आप क्या बात कर रहे हैं। तो आपने कोई भी चीज़ एज्यूम नहीं करनी कि ये तो एग्जामिनर को ऑलरेडी मालूम है तो आई डोंट नीड टू डिस्कस इट, ठीक है। लेकिन एट द सेम टाइम आपने ये भी ख्याल रखना है, अमूमन हम एक गलती ये कर लेते हैं कि जब भी हम कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं तो हम बहुत ज्यादा डिटेल में चले जाते हैं। अमूमन ये एग्जाम्पल आप सबको भी किसी ना किसी ने दी होगी कि हम हजरत आदम से जो है कहानी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे रेलेवेंस जो है वो बहुत सर, ज्यादा ये इम्पोर्टेंट फरीदुल्ला साहब का जो माइक है वो ऑन है, शायद वो बंद हो जाए तो बेहतर रहेगा। है। काइंडली आप सब अपने अपने माइक्स फॉर द टाइम भी म्यूट कर लें, बाद में जब क्वेश्चन आंसर सेशन होगा तो आई अलाउ ऑल ऑफ यू टू जी जुनैद, वहां से जी आप कर भी सकते हैं, देखना वहां पे म्यूट ऑल का ऑप्शन होगा। ठीक है जी। आई थिंक आई हैव डन दैट ऑटोमेटिकली। सो मैं ये कह रहा था कि आप स्ट्रक्चर का ख्याल रखें, कोई भी सवाल हो आप उसमें उसका सर पैर हो, डोंट जस्ट स्टार्ट स्पोरेडिकली या डोंट जस्ट स्टार्ट बहुत ज्यादा डिटेल में भी आपने स्टार्ट नहीं करना, बहुत ज्यादा स्पोरेडिकली या बहुत ज्यादा डायरेक्टली भी आपने स्टार्ट नहीं करना। तो इस सवाल में हम देखते हैं कि अगर पाकिस्तान की इकोनॉमी को फिक्स करने पर कोई सवाल आ जाए पाकिस्तान अफेयर्स में या एसए में तो हाउ विल वी स्टार्ट दैट क्वेश्चन। उसके लिए आप सिंपली ये देखें कि इंट्रोडक्शन में यू कैन जस्ट सिंपली से कि देर इज सम फंडामेंटल फ्लॉ इन द डिजाइन ऑफ द इकोनॉमी, कि 1947 से अब तक कुछ ना कुछ फ्लॉ जरूर है जिसकी वजह से हमें हमारी इकोनॉमी को इतने मसले हो रहे हैं, कहीं ना कहीं कोई फंडामेंटल फ्लॉ है। फंडामेंटल फ्लॉ का मतलब ये है कि कोई टेम्परेरी इशू नहीं है, ये एक लॉन्ग स्टैंडिंग इशू। सो यू नीड टू एक्नॉलेज दैट देर इज अ फंडामेंटल फ्लॉ इन द इकोनॉमी। और इसकी एग्जाम्पल आप ऐसे दें कि द एनालॉजी या एग्जाम्पल इज दैट ऑफ एन एरोप्लेन विच होवर्स फॉर अ बिट इन द एयर एंड देन फॉल्स डाउन। इसका मतलब यह है कि आप एक ऐसा जहाज बना रहे हैं, यहाँ पे इकोनॉमी की मुराद एक ऐसा जहाज है जो थोड़े टाइम के लिए तो फ्लाई करता है लेकिन उसके फौरन बाद नोज डाइव कर जाता है। जिन्होंने को थोड़ी बहुत इकोनॉमी की या जिन्होंने थोड़ी बहुत इसके बारे में नो हाउ है, आप उसको इस तरह से समझ सकते हैं कि जब भी इकोनॉमी का मसला होता है वी अप्रोच IMF के हमें बेल आउट कर दें या हमारे पास करंट अकाउंट डेफिसिट है। जब भी इकोनॉमी का कोई इशू होता है तो हम लेंडिंग या बोरो फ्रॉम प्राइवेट बैंक जो है ना, बोरोइंग हम करने लग जाते हैं, हमसे मतलब एक गवर्नमेंट करती है। तो कुछ ना कुछ फंडामेंटल फ्लॉ है कि हर कई साल, हर कुछ साल बाद हमें या फॉरेन एड की या बैंक्स की या मनी की हमें जरूरत होती है इकोनॉमी के अंदर। सो दिस इज हाउ यू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक कि इशू जो है, क्योंकि इशू इज अबाउट फिक्सिंग द इकोनॉमी। सो फिक्सिंग द इकोनॉमी का मतलब यह है कि आपने सबसे पहले एडमिट करना है कि देयर इज सम इशू एंड दैट इशू नीड्स टू बी रिजॉल्व। सो प्रीवियसली पाकिस्तान्स इकोनॉमी हैज क्रैश्ड 13 टाइम्स एंड 13 टाइम्स वी हैव अप्रोच्ड द IMF फॉर वेरियस बेलआउट्स। इसके कुछ कॉन्सिक्वेंसेस देख लें कि इन 1980s पाकिस्तान वाज द रिचेस्ट कंट्री अमंग इट्स पीयर्स इन साउथ एशिया।
it was 40% richer than India, Bangladesh, and Sri Lanka. However, today, India is 60% and China is 500% richer than Pakistan. So in other words, it has also become an economic ghetto. Ghetto ka matlab simply ye hai ki ek slum aap keh lein, ek specified area keh lein, jo which is famous for social ills ya economically, wo bahut zyada pasmanda hai. So ghetto means a pasmanda ilaka. So Pakistan in essence, economic terms mein hum agar itna achhe the 1980s mein, but now it unfortunately it has become an economic ghetto of the region. Ab introduction karne ke baad, you move ahead, and by moving ahead, you show, yeah, you give evidence of what are the areas where we are failing, ya uske symptoms kya hain. Theek hai, kabhi bhi jab aap doctor ke paas jate hain to sabse pehle doctor aapse history leta hai, theek hai, ki aapke symptoms kya hain, bukhar hai, etc, etc. So ab agar Pakistan ki economy ke sath issues hain to wo symptoms kya hain, hame wo issues kahan nazar aa rahe hain. Sabse pehle to aap dekhen ki number first issue is that we have a low investment rate. इन्वेस्टमेंट जो है इट इज वेरी लो इन पाकिस्तान. इन्वेस्टमेंट से आप सिंपली मतलब ये ले लें कि द लैंड लेबर और कैपिटल दैट वी आर पुटिंग इन इन वेरियस सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी बहुत ज्यादा लो है. इसमें आपको मैं थ्रू एन एग्जाम्पल जो है ये चीज समझा दूं कि इफ पाकिस्तान वर अ फार्म, अगर आप इस तरह से एग्जाम्पल ले लें कि पाकिस्तान जो है एक फार्म है, तो फॉर एवरी सीडलिंग इफ या फॉर एवरी सीड वी आर प्लांटिंग अदर्स आर प्लांटिंग 2 to 3. इसका सिंपली मतलब ये है कि हमारी इनपुट जो है, चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, चाहे वो सर्विसेज सेक्टर में हो, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग में हो, ये 2-3 बड़े सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमी के, एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विसेज. इसके अलावा रेमिटेंसेस भी होते हैं, टैक्सेस भी होते हैं, काफी सारे होते हैं. लेकिन फॉर आर पर्पजेस आप ये समझ लें कि हमारी इनपुट जो है वो बहुत कम है. जहां हम वन सीडलिंग जो है, अगर एग्रीकल्चर की बात कर लें, इनपुट हमारी है, तो वहीं पर अदर कंट्रीज आर प्लांटिंग 2 to 3 सीडलिंग्स. ठीक है, ये एक सिम्टम है कि पाकिस्तान हैज लो इन्वेस्टमेंट रेट्स. सेकेंड सिम्टम आप देख लें, वी हैव अ फिस्कल प्रॉब्लम. अब फिस्कल प्रॉब्लम का क्या मतलब है कि एवरी $1 that the government raises on debt, it has to spend around $2.75. इसका मतलब ये है कि आप अगर $1 किसी से borrow कर रहे हैं, ठीक है, अगर आप $1 किसी से borrow कर रहे हैं, तो उसको return by the time you return it, it sort of balloons into $2.75. I think बीच में शोर आ रहा है. Let me try to mute all of those again. So moving on to the second problem, fiscal problem hai Pakistan ka. Fiscal problem ka simply matlab ye hai ki every $1 that we borrow, us pe by the time jab uski majority ya by the time aap ye samajh le ki aapne us $1 ko return karna hai, itna beech mein time lag aa jata hai ki that sort of increases to $2.75. So aap $1 borrow kar rahe hain aur return jo hai wo $2.75 kar rahe hain. Or on top of it, we have an incredible reliance on foreign borrowing. Plus, ek aur bada issue aapne shayad newspapers mein bhi padha hoga, it is that of pensions. Pakistan mein pensions ke liye jo fund hai, wo increasingly shrink ho raha hai. Isiliye aapne dekha hoga ki early retirement ke plans aur during service hi aapki incomes jo hai badhane ki baat ho rahi hai, so that pension ke hawale se jo bhi गवर्नमेंट को स्पेंड करना होता है वो फ्रॉम टाइम टू टाइम कम. सो दिस इज ऑल्सो ए सेकेंड सिम्टम. नंबर वन, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि इन्वेस्टमेंट हमारी कम है. नंबर टू, वी हैव अ फिस्कल प्रॉब्लम. वी सिंपली डोंट हैव इनफ मनी इन आर किटी टू पे बैक ऑन टाइम, जिसका नतीजा क्या होता है कि बोरोइंग जितनी हम करते हैं
उसको जब हमें रिटर्न करने का टाइम आता है तो वो बहुत ज्यादा अमाउंट बढ़ जाती है. हेंस वी आर इन अ विशियस साइकिल कि उसको रिटर्न करने के लिए हमें मजीद बोरोइंग करनी पड़ती है. आपने इकोनॉमी की टर्म्स से बहुत ज्यादा घबराना नहीं, ये सिंपल टर्म्स हैं इकोनॉमी की, जो आप एक ऑन योर ओन आप इनकी सिंपली डेफिनेशंस भी देख सकते हैं कि अगर आपको चीज समझ ना आए, यहाँ पे मैं जो बता रहा हूँ इसको भी आप समझने की कोशिश करें. ऑल्दो दीज टर्म्स माइट साउंड फैंसी, लेकिन अगर इकोनॉमी का सवाल है तो इसका मतलब यह है कि फॉर स्टेइंग रेलेवेंट, फॉर गेनिंग मोर मार्क्स, आपको थोड़ी बहुत इकोनॉमी की लैंग्वेज का पता होना चाहिए. इसलिए मैं यहाँ पे इकोनॉमी की थोड़ी बहुत लैंग्वेज में यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ. ट्राई टू अंडरस्टैंड देम, ट्राई टू लर्न दीज वर्ड्स एंड ट्राई टू यूज दीज वर्ड्स इन योर आंसर एज़ वेल. Then we have a weak balance of payments problem. इसका मतलब क्या है कि $1 earned through exports, $2.2 is spent on imports. इसका मतलब ये है कि imports और exports के दरमियान जो gap है, उस वो gap is simply huge. अमूमन ये कहा जाता है कि आपकी exports बिल्कुल simple है कि आपकी exports हमेशा जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए as compared to your imports. कि जितनी पाकिस्तान कि एक्सपोर्ट ज्यादा होंगी उतनी पाकिस्तान की इकोनॉमी जो है वो ग्रो करेगी, और जितनी इम्पोर्ट ज्यादा होंगी उसका सिंपली क्या मतलब है कि हम एक कंजम्पशन ड्रिवन सोसाइटी होंगे, कि पाकिस्तान में हम कुछ बना नहीं रहे, सिर्फ और सिर्फ फॉरेन प्रोडक्ट्स के ऊपर हमारा रिलायंस बहुत ज्यादा है. तो अगर हमारा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के दरमियान गैप बहुत ज्यादा होगा तो उसको हम कहेंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक क्राइसिस होगा, कि एक्सपोर्ट्स हमारी कम होंगी और इम्पोर्ट्स हमारी ज्यादा होंगी. आप सिंपली इसको ये समझे कि हम नेगेटिव में जा रहे हैं, इसको हम कहेंगे वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स. तो एक्सपोर्ट्स अगर हम $1 की एक्सपोर्ट्स अगर कर रहे हैं या सिंपली 100 या 100,000 की कर रहे हैं, तो इन रिटर्न हमें 220,000 के इम्पोर्ट्स करने पड़ रहे हैं. सम ऑफ द गैप इज फिल्ड बाय रेमिटेंसेस. जाहिर बात है हमने उस गैप को फिल तो करना है. सो हाउ डू यू फिल दैट गैप? यू फिल दैट गैप थ्रू remittances, और remittances in Urdu simply means zar mubadla, पैसा जो तारकीन वतन जो है बाहर ममालिक से पाकिस्तान भेजते हैं. सो कुछ ना कुछ सोर्स ऑफ इनकम पाकिस्तान का remittances से भी आता है. सो इन ऑर्डर टू फिल दैट गैप what we do is that we use those remittances to pay for our weak balance of payments crisis. And then liquidity problem है, इसमें simply आप इस तरह समझ लें कि majority of loans जो है उनकी ड्यूरेशन शॉर्ट है, लेकिन दूसरी मार्केट्स के लिए, क्योंकि पाकिस्तान का एक अब तरह से आप एक तरह से ये समझ लें कि क्रेडिट हिस्ट्री किसी की भी, अगर यूएस में या बाहर ममालिक में अमूमन जब भी आप कोई नई प्रोडक्ट लेते हैं तो आपकी क्रेडिट हिस्ट्री चेक की जाती है. क्रेडिट हिस्ट्री का सिंपली मतलब ये है कि पहले अगर आपने लोन लिया था तो क्या आपने वो टाइमली रिटर्न किया या नहीं किया. अगर आपने वो टाइमली रिटर्न किया है तो इसका मतलब ये है कि आपकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी है, लेकिन आप अगर वो टाइमली रिटर्न नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये है कि वो कंपनी नेक्स्ट टाइम आपको कोई प्रोडक्ट या नेक्स्ट टाइम आपको लोन देने से पहले एक बार जरूर सोचेगी कि लास्ट टाइम भी दे डिलेड देयर पेमेंट्स, दे वर नॉट एबल टू मेक देयर पेमेंट्स ऑन टाइम, दैट इज वाई आपको हो सकता है नेक्स्ट टाइम लोन नहीं मिले. तो पाकिस्तान के केस में भी यही होता है कि वी आर ऑलवेज अंडर प्रेशर टू पे बैक आवर लोन्स इन 1 to 2 years. लेकिन जो अच्छी मार्केट्स होती हैं, जो अच्छी कंट्रीज होती हैं जिनकी क्रेडिट हिस्ट्री अच्छी होती है बिकॉज ऑफ देयर इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी, जो टाइमली अपने लोन्स रिटर्न करते हैं, उनके लिए फिर कंडीशंस भी रिलैक्स होती हैं. उनको रिलैक्स रखा जाता है कि जी आप यू हैव 7 to 8 years, वी नो यू कैन पे बैक ऑन टाइम. दिस इज अ लिटिल आयरोनिक, लेकिन दिस इज हाउ द इकोनॉमिक सिस्टम वर्क्स. अब सिम्टम्स के बाद आप डायग्नोसिस की तरफ आ जाएं. डायग्नोसिस में आप ये देख लें कि अब डायग्नोसिस सिम्टम्स से तो मैंने आपको ये बता दिया कि वो कौन कौन से अपेरेंट रीजंस आपको नजर आए पाकिस्तान में, कि ये 3 या 4 बड़े रीजंस हैं जो इकोनॉमी के बारे में हम जब भी बात करेंगे. दोबारा मैं आपको रिफ्रेश कर दूंगा कि हम बात करेंगे कि एक्सट्रीमली लो इन्वेस्टमेंट रेट्स हैं पाकिस्तान में, फिस्कल प्रॉब्लम है, वीक बैलेंस ऑफ पेमेंट्स प्रॉब्लम है, और लिक्विडिटी प्रॉब्लम है, जो मैंने आपको इन सिंपल टर्म्स एक्सप्लेन करने की कोशिश की है. नाउ मूविंग ऑन, योर नेक्स्ट सेक्शन शुड बी ऑन डायग्नोसिस, कि आप इसको पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में अब हाउ डू यू डील विद इट, ठीक है, व्हाट डू यू डू. सो इसमें आप देख लें कि एक हमें पॉलिसी लेवल पे जो एक बड़ी चीज नजर आती है वो शॉर्ट टर्मिज्म नजर आती है. जिस तरह
अमूमन हम कहते हैं कि हमारी पॉलिसी शॉर्ट टर्म है या हम लॉन्ग टर्म 20 साल 25 साल 30 साल का नहीं सोचते। जो डेवलप्ड कंट्रीज होंगी या जहाँ की ब्यूरोक्रेसीज बहुत अच्छी होंगी, ठीक है, अब जिस तरह सिंगापुर की ब्यूरोक्रेसी की एग्जाम्पल दी जाती है, वहां पे 100 ईयर्स के प्लान होते हैं और उन प्लान पे आज से ही काम हो रहा होता है। पाकिस्तान में आपने जिस तरह से पहले पढ़ा भी होगा कि 5 ईयर का हमारा इकोनॉमी का प्लान आता था, ठीक है, 1950 से 55 तक इस तरह से प्लान आते रहते थे और उन प्लान के मुताबिक हम काम करते थे। लेकिन अब आपने रिसेंटली देखा होगा कि हमारी पॉलिसीज के अंदर वो शॉर्ट टर्मिज्म जो है वो शो होती है कि हम एक गवर्नमेंट आती है कुछ और प्लान बना देती है, इंटरेस्ट रेट कभी बढ़ा देती है, दूसरी गवर्नमेंट आती है वो इंटरेस्ट रेट कम कर देती है, सो केओस हमें नजर आती है, कोई कंसिस्टेंसी नजर नहीं आती, कोई प्लान नजर नहीं आता। तो इस शॉर्ट टर्मिज्म को आप मायोपिया भी कह सकते हैं या शॉर्ट टर्मिज्म। सो देयर इज आवर रूलर्स टेंडेंसी is that we have tried to mortgage the future of the country. Iska simply matlab ye hai ki we have not kept the interest of the state as primary or we have kept the ruler's interest as primary. Aur humne isme growth jitni bhi humne past mein ki hai that has been artificial. Wo growth jo hai artificial hai. Why is that artificial? Because we depend on foreign funding. We depend on loans from the IMF, we depend for loans from Saudi Arabia, from other countries, from UAE. ठीक हो गई बात। अब शॉर्ट टर्मिज्म की और आप एग्जाम्पल देख रहे हैं कि एज कम्पेयर टू US, चाइना, सऊदी अरेबिया, कोरिया, टर्क्स, इन पे हमने हमारी रिलायंस जो है ना वो काफी ज्यादा रही इन द पास्ट। सेकेंड, वी नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस, पॉलिसी मेकर्स नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस। Funds going to kindly आप जो जिनके माइक्स जो है ना अनम्यूट हैं, kindly आप सब उनको म्यूट कर दें ताकि बीच में डिस्टर्बेंस ना हो। सो वी नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस। जिस तरह से मैंने आपको पेंशन के बारे में बताया, ये वाला पॉइंट जरूर मेंशन करें कि पाकिस्तान नीड्स टू डू समथिंग अबाउट द पेंशन फंड्स। ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट इम्प्लॉयज का रेशो बहुत ज्यादा है। अब PIA फॉर एग्जाम्पल, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन के बारे में कहा जाता है कि इट्स वन ऑफ दोज एयरलाइंस जिसमें एयरक्राफ्ट टू पैसेंजर रेशो जो है, एयरक्राफ्ट टू क्रू रेशो सॉरी, वो बहुत हाई है। आई थिंक वी डोंट हैव मोर देन 28-29 एयरक्राफ्ट, लेकिन हमारे जो इम्प्लॉयज हैं PIA के वो तकरीबन 15,000 हैं। 15,000 इम्प्लॉयज हैं और आपके सिर्फ 29 से 30 जहाज हैं। अब वो 15,000 एम्प्लॉयज गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, उन्होंने कल को रिटायर हो जाना है। ऑलरेडी PIA इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स, ऑलरेडी पाकिस्तान स्टेट ऑयल इज नॉट मेकिंग प्रॉफिट्स। अब इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन में इतने सारे लोग जॉब करेंगे तो कल को आपने पेंशन भी उनको देनी है, ठीक है, तो वो आप कहाँ से ला कर देंगे? सो वी नीड टू मेक हार्ड चॉइसेस, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू पेंशंस, वी नीड टू डू समथिंग अबाउट इट। And then comes the question of 18th Amendment. I hope कि आप सबको 18th Amendment का, devolution का, more powers of the provinces का, I hope कि आपको idea हो। So जब आप economy की बात करें तो 18th Amendment की भी आप बात करें, because devolution of power is not just political, या आप नए सूबे बना रहे हैं या provinces को ज्यादा political powers या administrative powers दे रहे हैं। Devolution का ये भी मतलब है कि आप economically भी सूबों को या जो सब नेशनल गवर्नमेंट्स होती हैं उनको मोर पावरफुल करते हैं, ठीक होगी बात। सो 18th अमेंडमेंट में आप ये देखें कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर वाज डेफिनेटली नेसेसरी, हाउएवर द मैनर इन विच इट वाज डन वाज फिस्कली इररिस्पॉन्सिबल बिकॉज नो रेवेन्यू रेजिंग कमिटमेंट्स फ्रॉम द प्रोविंसेस वर मेड। सिर्फ ये कहा गया कि पंजाब का शेयर फॉर एग्जाम्पल 57 प्रोविंसेस का शेयर 57.5 होगा, फेडरल का शेयर 42.5 होगा। इसी तरह से आप देखें कि पंजाब, KPK, Sindh, all of them have respective shares from the National Finance Commission की जो एक federal consolidated fund होता है, जिसके अंदर taxes होते हैं different, उनको divide किया जाता है, उनसे जो भी revenue आता है वो provinces को divide किया जाता है। तो सिर्फ और सिर्फ वो shares बता दिए गए कि पंजाब को इतना percent मिलेगा, सिंध को इतना percent मिलेगा, KPK को इतना percent और बलोचिस्तान को इतना percent मिलेगा, लेकिन उनसे कोई कमिटमेंट नहीं ली गई कि आपने इतने टैक्सेस कलेक्ट करने हैं, आपने इतना रेवेन्यू जनरेट करना है। सो दिस इज ऑल्सो अ पॉइंट टू बी कंसिडर्ड
कि 18th अमेंडमेंट ऑल्दो इट इज अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन, लेकिन प्रोविंसेस से कोई कमिटमेंट्स क्यों नहीं ली गई कि यू हैव टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट दिस मच परसेंट टूवर्ड्स द नेशनल रेवेन्यू किटी. सो हाफ ऑफ द ग्रॉस रेवेन्यू इज गोइंग टू द प्रोविंसेस एंड दे आर नॉट रेजिंग सफिशियंट रेवेन्यूज देमसेल्व्स. Moving on to socio-political, just to support the US-led Afghan war in the 1980s, aapko sabko maloom hai why did we get into that war, because there was a lot of money that was coming from the US. So it was not just a political decision, but it was an economic decision as well. And uska natija kya hua ki an entire generation of Pakistanis was bombarded with extremism, sectarianism, through madrasas. Unfortunately, madrasas were used as tools to sort of promote Afghan jihadi war, aur jiski wajah se hame nuksan hua aur abhi bhi us cheez ka hame nuksan ho raha hai. So now, after discussing diagnosis, now you sort of give the recommendations. Ye recommendations wala part jo hai umman maine dekha hua hai ki आप लोग एनालिसिस भी अच्छा कर लेते हैं, आपको फैक्ट्स का भी अच्छा पता होता है, आप इंट्रोडक्शन भी अच्छा लिख लेते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा वीक जो है आपके आंसर्स में वो आपके रिकमेंडेशंस होती हैं. तो आप सब ने जब भी आप तैयारी करेंगे, जब भी आप रिटन की प्रैक्टिस करेंगे, तो रिकमेंडेशंस वाले सेक्शन पे प्लीज बहुत ज्यादा फोकस करें. रिकमेंडेशन जनरल बिल्कुल भी ना हो. आप ये ना कहें कि इकोनॉमी बेहतर कर दें, अकाउंटेबिलिटी बढ़ा दें, करप्शन कम कर दें, पाकिस्तान के साउथ एशिया के अंदर रिलेशंस बेहतर हों, पाकिस्तान और इंडिया को कश्मीर का मसला हल करना चाहिए. यस, एवरीबॉडी नोज दैट, बट व्हाट इज दैट स्पेसिफिक रिकमेंडेशन दैट यू आर गिविंग. तो रिकमेंडेशंस के ऊपर आज से ही आप लोग काम करें. रिकमेंडेशंस शुड बी स्पेसिफिक, दे शुड बी टू द पॉइंट, और दे शुड नॉट बी जनरल. दे शुड नेवर एवर बी जनरल रिकमेंडेशंस, एंड दे शुड एटलीस्ट give some direction, some policy direction, कि आप किस तरफ जो है अपनी recommendation या किस तरफ चाह रहे हैं कि government जो है या civil society को काम करना चाहिए. So first of all, develop the capacity to play the long game, thinking in decades and centuries. Planning की अगर आप बात करें तो अमूमन हमारे plans जो हैं, एक government की हद तक भी हमारे plans नहीं रहते. Our plans are usually for a year, for 6 months, and then there is chaos. थोड़े बहुत भी अगर मार्केट के हालात, थोड़े बहुत भी अगर इंटरनेशनल हालात चेंज हो जाएं, तो our policies sort of shift. So hence we need to think in terms of decades and centuries. इसका simply मतलब ये है कि सबसे पहले तो vision होना चाहिए. इसका in essence this simply means that there needs to be vision among our policy makers. और nation building पे हमें focus करना चाहिए. We need to do. ये एक बहुत बड़ा सवाल है. इवन इस पॉइंट के ऊपर भी एक पूरा ऐसे आ सकता है कि नेशन बिल्डिंग जो है वो पाकिस्तान में उसके कौन कौन से मुहर्रिकात हैं, उसके नेशन बिल्डिंग के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, हु आर वी एज ए नेशन, हमारी आइडेंटिटी क्या है. हम कभी प्रोविंसेस की सूरत में आपस में लड़ रहे होते हैं, कभी सेक्टेरियन बेसिस पे लड़ रहे होते हैं, कभी you know, you name it, kabhi ethnicities pe, kabhi language ki base pe. So who are we as a nation? This is very important. And focus on domestic productivity. Jis tarah se maine aapko thodi der pehle bhi baat ki ki hamare exports jo hain wo bahut kam hain aur they haven't grown much, jabki hamare imports jo hain wo from time to time they have increased. Iska matlab ye hai ki gap between imports and exports wo negative mein chala gaya. तो अब इसका मतलब यह है कि हम डोमेस्टिकली कोई चीज प्रोड्यूस नहीं कर रहे. ठीक है, इवन जापान की आप एग्जांपल ले लें तो इवन विलेज लेवल पे भी देयर आर इकोनॉमिक जोन्स जहां पे एक्सपोर्टेबल या मार्केटेबल प्रोडक्ट्स बनती हैं और वो एक्सपोर्ट होती हैं. पाकिस्तान में यू आई थिंक सियालकोट में जो स्पोर्ट्स हमारी इंडस्ट्री है या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, इस तरह की दो तीन इंडस्ट्रीज के अलावा यू कैन नॉट नेम मोर देन 5. आई कैन बेट ऑन दैट. So Pakistan needs to improve its domestic productivity. और वो productivity हम कैसे बढ़ाएंगे कि capacity और capability से. Capacity भी और capability भी. अब ये दो words जो है ना आपने याद रखने हैं कि अगर हमने अपनी domestic productivity बढ़ानी है तो हमने capacity building के ऊपर भी काम करना है
और कैपेबिलिटी के ऊपर भी काम करना है. जिस तरह चाइनीज प्रोवर्ब है, यू कैन ऑल्सो एड दिस प्रोवर्ब इन योर आंसर एज वेल, गिव अ मैन अ फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ डे, टीच हिम हाउ टू कैच फिश एंड यू फीड हिम फॉर अ लाइफ टाइम. सो इस वक्त हमारी मिसाल जो है वो इस तरह से है कि जब भी हमें हमारी इकोनॉमी को कोई ना कोई इशू हो जाता है, सो तो वी गेट फूड और वी गेट फिश. इस जिस तरह ये वाली एनालॉजी है फ्रॉम आउटसाइडर्स, फ्रॉम फॉरेन फंडिंग, बट वी हैवंट बीन एबल टू मास्टर द ट्रेड सिंपली. सो फोकस ऑन डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी. नाउ हाउ विल यू बूस्ट योर डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी? ठीक है, आपने बता दिया कि हमें रिकमेंडेशंस में आपने जो सबसे बड़ा पॉइंट बताया वो ये बताया कि हमें डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी के ऊपर काम करना है. बट हाउ विल यू डू दैट? यू विल डू दैट बाय फोकसिंग ऑन एक्टिविटीज दैट फैसिलिटेट फंडामेंटल इनपुट्स इन द रेस्ट ऑफ द इकोनॉमी. ठीक है, किसी भी इकोनॉमी को सक्सेसफुल होने के लिए यू नीड इनपुट्स. उसमें आपका लेबर हो सकता है, उसमें आपका लैंड हो सकता है, उसमें आपकी इन्वेस्टमेंट हो सकती है, ये सारे आपके इनपुट्स. अब इन इनपुट्स को फंडामेंटली आपने कैसे इंप्रूव करना है? ठीक है, हो सकता है मेरी बात आपको बहुत ज्यादा थियोरेटिकल लगे, लेकिन ये जो दो या तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा, ट्राई टू सॉर्ट ऑफ रिलेट दोज कॉन्सेप्ट्स विद दीज प्रैक्टिकल एरियाज, कि इससे पहले आपने जो जो चीजें पढ़ी हैं उनको आप किस तरह से डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी के साथ लिंक करेंगे. सो हाउ टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी, इट इज थ्रू डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी. ये आपको लिंक में समझाने के लिए मैंने पहले सिम्टम्स बताए हैं, फिर उसके बाद डायग्नोसिस बताया है, फिर उसके बाद क्योर बताया है. नाउ वी नीड टू प्रायोरिटाइज सेक्टर्स, कि आप पिन पॉइंट करें कि ये दो तीन चार सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर हम फोकस करेंगे और इनकी प्रोडक्टिविटी, इनकी डोमेस्टिक प्रोडक्टिविटी कैसे बढ़ाएंगे, इनकी कैपेबिलिटी बढ़ाएंगे और इनकी कैपेसिटी बढ़ाएंगे. नंबर वन इज एग्रीकल्चर. Productivity can be increased through the use of these technologies. और ये technology में आप देख लें कि drip irrigation है, leveling है. पाकिस्तान में अमूमन जो irrigation होती है उसमें a lot of fields are not leveled. अब गिलगित बल्तिस्तान में तो agriculture उस तरह से it does not contribute towards its economy because of the rugged landscape and because of absence of arable land. But when you talk about Punjab, and especially Punjab and Sindh, so we need to introduce these technologies, and these technologies are not that expensive. Okay, these technologies can be gathered very cheap. So इसमें एक leveling है, leveling of fields है, and then drip irrigation है. Drip irrigation में आपको पता होगा कि आजकल कई parks में, कई government facilities में, private हॉस्पिटल्स में, स्कूल्स में, पार्क्स में ये चीज जो है आहिस्ता आहिस्ता इंट्रोड्यूस हो रही है कि जहाँ पे आप इन ऑर्डर टू अलाउ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, इन ऑर्डर टू अवॉइड वेस्टेज ऑफ वाटर, यू यूज ड्रिप इरिगेशन. देन इट विल सॉल्व इश्यूज इन अदर सेक्टर्स. किस तरह से आप आई होप कि अभी जो है डिस्टर्बेंस इतनी नहीं है. सो आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर ट्राइंग टू लॉग इन नाउ एज वेल. लेट मी जस्ट नॉट अलाउ देम बिकॉज 4 बजे का टाइम था और 4:30 बजे जो है आप एंटर हो रहे हैं. दिस क्रिएट्स डिस्टर्बेंस. तो जो सुन रहे हैं लेक्चर वो भी काइंडली अपने दोस्तों को ये कम्युनिकेट करें कि यू शुड बी पंक्चुअल विद टाइम और मैक्सिमम 4 से 4-10 even 10 minutes इज ऑल्सो फाइन. 10 minutes के अंदर अंदर ही आई एडमिट यू टू ज्वाइन द लेक्चर, बट इफ यू आर लेट देन यू आर लेट. सो आई वॉन्ट बी अलाउिंग दोज पीपल टू ज्वाइन द सेशन हु विल ट्राई टू एंटर आफ्टर 4:10, क्योंकि उससे फिर डिस्टर्बेंस होगी बाकी लेक्चर के दरमियान. सो इन ऑर्डर टू प्रायोरिटाइज लेक्चर, सबसे पहले तो आप देखें कि How will you do that? सबसे पहले आप एग्रीकल्चर पे फोकस करेंगे और एग्रीकल्चर के अंदर भी प्रोडक्टिविटी के ऊपर को आप कैसे इंक्रीज करेंगे, थ्रू द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी विच इज थ्रू लेवलिंग एंड ड्रिप इरिगेशन. अब इसका क्या होगा कि इट विल सॉल्व द इश्यूज इन अदर सेक्टर्स एज वेल. हाउ विल इट
डू दैट कि अदर सेक्टर्स से भी इसको किस तरह से फायदा होगा. इफ मोर इट इज इफ वी इंक्रीज आवर प्रोडक्टिविटी देन ट्रेडेबिलिटी ऑफ एग्रीकल्चर कैन इम्प्रूव. अगर आप प्रोडक्टिविटी जो है आप अपनी बढ़ा रहे हैं, इसका सिंपली मतलब ये है कि आप सरप्लस की तरफ जा रहे हैं. अगर यील्ड आपकी पर ईयर इंक्रीज हुई है इन लेट्स से मिलियन मेट्रिक टन्स या जो भी आप यूनिट यूज करना चाहें, तो इसका सिंपली मतलब ये है कि नाउ यू आर इन अ पोजिशन टू एक्चुअली एक्सपोर्ट इट. सो एक सिंपल इंटरवेंशन, टेक्नोलॉजी की एक सिंपल इंटरवेंशन एग्रीकल्चर में करने से यू हैव helped other sector as well, and that other sector is exports. So ye link I hope aapko samajh aa gaya ho ki it will solve the issues in other sectors and how that it will increase the tradability of agriculture aur isse exports jo hai na wo increase honge aur imports jo hai wo reduce honge. So jab bhi exports increase hote hain aur imports reduce hote hain, to iska matlab ye hai ki balance of payment ka jo ek crisis hai wo automatically reduce hoga. जो ऊपर मैंने आपको वन ऑफ द फोर सिम्पटम्स का जो मैंने आपको बताया था कि बैलेंस ऑफ पेमेंट्स का एक क्राइसिस है, सो दिस स्मॉल इंटरवेंशन कैन गो अ लॉन्ग वे. लेकिन अब फिर ऑन द अदर हैंड आप ये भी देखें कि नया पाकिस्तान जो स्कीम है, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिस्ट्स दिस स्कीम इज नॉट सस्टेनेबल, क्योंकि आप यू आर यूजिंग लैंड टू बिल्ड मोर हाउसेस एंड अनफॉर्चुनेटली दोज हाउसेस विल नॉट कैटर टू द मेजोरिटी ऑफ पीपल, इट विल ओनली कैटर टू people from the middle or upper middle income families. So economists here are saying or they are trying to argue ki aap agriculture ke andar ek simple se intervention kare so that other sectors can also improve rather than going for mega schemes such as the Naya Pakistan housing scheme jisse koi exportable commodity aap nahi kar rahe. It is only sort of trying to or aims to provide housing to a small segment of society, not even a larger segment, and it is also not going to help other sectors. So I hope ki ye concept jo hai aap clear ho gaya hoga. Then second sector jisko aapne prioritize karna hai, that is the renewable energy, and so far our reliance has been on oil and coal. पाकिस्तान के अंदर जो ज्यादातर इलेक्ट्रिसिटी जो जनरेट होती है दैट इज थ्रू बर्निंग ऑफ कोल और थ्रू इंपोर्टिंग ऑफ ऑयल, एंड उसका भी इंडिपेंडेंट पावर प्रोड्यूसर्स का भी, आई वॉन्ट गो इनटू डिटेल, आईपीपीस का भी जो है इसका भी केस सुप्रीम कोर्ट तक भी गया और वन ऑफ आर एक्स प्राइम मिनिस्टर्स वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस. और जो हमने फॉरेन रिलायंस की इकोनॉमिस्ट से कि वो भी हमने ठीक तरीके से नहीं किया, उसके अंदर भी देर वर अ लॉट ऑफ इश्यूज. सो यहाँ पे वी नीड टू फोकस ऑन रिन्यूएबल एनर्जी, चाहे वो विंड हो, चाहे वो हाइडल इलेक्ट्रिसिटी हो. और गिलगित बल्तिस्तान जो है इट इज एन एक्सीलेंट केस इन पॉइंट वेयर रिन्यूएबल एनर्जी, रन ऑफ द रिवर, स्मॉल डैम्स, हाइडल इलेक्ट्रिसिटी कैन नॉट ओनली मेक गिलगित बल्तिस्तान sufficient, but it can also make that energy tradable or exportable, that you can export that energy to other parts of Pakistan, and if you are in surplus to even regional countries as well. So iska it is not just helpful in terms of your domestic productivity but also national and at times international as well. So second एरिया जहां पे फोकस करना चाहिए, जिसको प्रायोरिटाइज करना चाहिए, दैट इज रिन्यूएबल एनर्जी. एंड देन थर्ड इज बिग डेटा. दिस इज सिंपली अ फैंसी टर्म जो आजकल आई थिंक आप सबने कहीं ना कहीं इसको सुना भी होगा. सो बिग डेटा का सिंपली मतलब ये है, हाउ डू यू यूज डेटा और हाउ डू यू यूज एविडेंस टू डिजाइन पॉलिसीज. And because increasingly हम paperless economies या paperless documentation की तरफ हम जा रहे हैं, a lot of it is done through online, and data जो है it is also considered now as a big commodity after oil. तो big data को हमें पाकिस्तान में promote करना चाहिए. और big data का simply मतलब क्या है कि use of data science for policy making. Especially since Pakistan is a cash stripped country, इसका मतलब यह है कि पाकिस्तान ऑलरेडी इज अ कैश स्ट्रिप्ट कंट्री,
तो यहाँ पे जो भी हम एफर्ट्स करेंगे या गवर्नमेंट कोई भी स्कीम इंट्रोड्यूस करना चाहेगी, तो वहां पे वी हैव टू बी एब्सोल्युटली श्योर एंड एब्सोल्युटली सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंट इन आवर पॉलिसीज की वेस्टेज ना हो, बिकॉज वी कैन नॉट अफोर्ड एनी वेस्टेज. सो वेस्टेज कम से कम करने के लिए what is key? The key is that you should have data on agriculture, on manufacturing, on services, on industry, on taxes, economy ke jo jo areas hain, jo jo aspects hain, unke andar if you have reliable data, then you can come up with better policies which are more practical, which are more sort of grounded in our realities. So you need to do that, and this will increase the efficiency of our decisions, and this will sort of, you know, multiply the results of government's policies. And building data infrastructure is easy. और इस पे आजकल government जो है आपने देखा भी होगा कि technology parks बना रही है, और data के हवाले से software parks भी बन रहे हैं. So these things are यहाँ पे फ्यूचर जो है ना, फ्यूचर इकोनॉमी जो है वो इस चीज के ऊपर रिलाई करता है, एंटरप्रेन्योरशिप, डेटा पार्क्स, टेक्नोलॉजी पार्क्स, इनके ऊपर हमें मजीद फोकस करना चाहिए ऑन अ नेशनल लेवल. सो इस हवाले से अगर किसी ने मजीद इंफॉर्मेशन या मजीद पढ़ना है, तो हमारी जो डिजिटल पॉलिसी जो है वो लास्ट ईयर आई थी व्हेन तानिया एड्रूस वाज मेड इट्स हेड, तो वो भी आप स्किम कर लें इन ऑर्डर टू नो कि हमारी डिजिटल पॉलिसी जो है वो क्या है एंड व्हाट इट एम्स टू अचीव. सो नाउ जब आपने स्ट्रक्चर के हवाले से एक बार फिर देख लें, जब आपने क्योर बता दिया, अब रिकमेंडेशंस, जिस तरह से मैं आपको कह रहा था कि रिकमेंडेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट और ये हमारे अमूमन वीक होते हैं, तो रिकमेंडेशंस जब आप दें किसी भी सवाल में, तो रिकमेंडेशंस के बाद एक और हेडिंग भी आप ऐड कर लें, एंड दैट हेडिंग शुड बी इम्प्लीमेंटेशन, और आपने जो रिकमेंडेशंस दी हैं, हाउ विल यू इम्प्लीमेंट दीज, बिकॉज रिकमेंडेशंस शुड नॉट जस्ट बी इन द एयर, वो प्रैक्टिकल हों, उसका कोई ना कोई तरीका हो जिसके थ्रू आप वो रिकमेंडेशंस जो है वो ऐड कर सके. सो दीज रिकमेंडेशंस के लिए फाइव सीज अप्रोच जो है इन ऑर्डर टू सिंपली अंडरस्टैंड जो है वो आप करें. नंबर वन इज करेज. फाइव सीज के अंदर जो फर्स्ट सी है दैट इज करेज. नाउ करेज का मतलब ये है कि वी नीड टू कम अप विद एफिशिएंट वेज टू रेज रेवेन्यू. जिस तरह से लैंड टैक्स है, या फॉर दोस For some of you who might know about urban immovable property tax, जो urban areas में tax on transaction of land, जो इसके ऊपर implement किया जाता है in urban areas, वो बहुत कम है. So land tax जो है ना वो पाकिस्तान के अंदर holdings के ऊपर बहुत कम है. So maybe we need to increase the ceiling. People who own more land should pay more tax. और women's rights के ऊपर हमें focus करना चाहिए. One reason why Vietnam or Bangladesh have done wonders in terms of economy is that they have focused on women workers. China as well. China is also an important case in point here when it comes to the increasing the capability and capacity of women and their role in economy. So in economic sense, one of the lowest female labor force participation in the world. ये भी आप को पता होना चाहिए कि जब भी फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन या पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान की बात होती है, तो इट इज वन ऑफ द लोएस्ट अकॉर्डिंग टू वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम्स रिपोर्ट. और ताहिर अंदराबी रिसर्च शोज दैट इन 1985 देयर वर हाफ गर्ल्स एज बॉयज इन सेकेंडरी स्कूल्स. हाउएवर इन 2013 मोर गर्ल्स वर 33% लाइकली टू गेट एन ए प्लस. सो दिस इज ए पॉजिटिव डिवेलपमेंट इन पाकिस्तान की. पाकिस्तान में फीमेल एनरोलमेंट जो है इन सेकेंडरी स्कूल्स हैज इंक्रीज. एंड रिसर्च डन बाय ताहिर अंदराबी हु इज अ वेरी एक्लेम्ड एजुकेशनिस्ट ऑफ पाकिस्तान, उन्होंने ये शो किया कि सेकेंडरी स्कूल में लड़कियों की जो प्रोबेबिलिटी थी टू गेट एन ए प्लस वॉज 33% मोर देन बॉयज. तो देखें पोटेंशियल जो है यहाँ पे ऑन ग्राउंड जो स्टेटिस्टिक्स ये जो हमारे रिसर्चर्स ये शो कर रहे हैं बेसिकली कि पोटेंशियल इस साइड पे बहुत ज्यादा है एंड दिस पोटेंशियल हैज नॉट बीन टैप्ड. वी आर स्टिल बिहाइंड ऑल्दो पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैव बीन मेड विद रिस्पेक्ट टू इंक्रीज इन एम्प्लॉयमेंट इन द लेबर एंड इन द एजुकेशन सेक्टर, बट
we are still far, far behind. So we need to focus on women's rights. And for that, we need courage. We need courage to impose taxes on landowners. We need courage to bring women, the agenda of women's rights into the mainstream. And we also need to fight religious bigotry or any other obstacles jo hamare raste mein aa rahe hain towards increasing our domestic productivity. Then the second C in the 5C approach is competence. Competence is very, very important. Amuman ye kaha jata hai ki government sector ke andar competent log nahi hote aur private sector ke andar competent log zyada hote hain. Amuman ye perception hota hai puri duniya mein. To some extent that is true as well. Lekin one of the best bureaucracies in the world is that of Singapore. Aur Singapore ke andar jo bureaucracy ki jo trainings hai ya unki jo education hai ya unki jo not even government but providing consultancy to other companies as well, it is remarkable. Wo isliye hai because they are competent, they are capable. Hence, we need to identify and bring competent people in the government so that they can provide better results. Ye kaise ho sakti hai? Ye merit-based system ke through hi ho sakti hai. Ye merit-based education ke through, merit-based recruitment ke through ho sakti hai. Or during service, competency can be increased through professional trainings. Or we can also increase the results by giving discretion and real authority to these competent people. Amuman ye hota hai ki political interference ki wajah se jo bhi experts government jo hai jinki help leti hai ya those who become part of government, amuman they sort of become fed up aur wo kehte hain ki interference bahut zyada hai ya hame power hame, we were not independent in our own domain. So ab dekhen Tania Edrus hai ya jis tarah Umar Saif hai sare competent Pakistan ke international level ke jo experts the who came into government, they worked for some time but then they left the service because they felt ki unko independently kaam nahi kiya, they were not simply allowed to work independently. To isliye we need to ensure ki competence hum identify kare, acha talent jo hai government ke andar aaye aur एक बार जब आ जाए तो फिर हम उनको रियल अथॉरिटी दें और डिस्क्रेशन दें ताकि पॉलिटिकली कोई उनके काम के साथ इंटरफेयर ना कर सके. देन देयर इज द आइडिया ऑफ क्रेडिबिलिटी एंड कमिटमेंट. वी ऑल नो दैट विदाउट कमिटमेंट एंड विदाउट क्रेडिबिलिटी नो कंट्री कैन थ्राइव एंड नो कंट्री कैन यू नो रीच द हाइट्स ऑफ इकोनॉमिक प्रोडक्टिविटी और सक्सेस. This applies equally to both at an individual level as well as that of a country's level. Aur aap sab mein se bhi jiski commitment sabse zyada hogi, jiski dedication zyada hogi, inshallah wo jo hai isme kamyab honge is exam mein. Then fourth C is the that of coordination. Amuman ye bhi kaha jata hai ki Pakistan mein coordination ka issue hai ji. District administration aur police ke darmiyan coordination nahi hai ya provinces ke darmiyan coordination nahi hai ya फेडरेशन में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के दरमियान कोऑर्डिनेशन नहीं. और कोऑर्डिनेशन के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है एक इनेबलिंग एनवायरनमेंट कि जहां पे इदारे एक दूसरे को ट्रस्ट कर सकें. अनटिल एंड अनलेस देयर इज नो ट्रस्ट, अगर ट्रस्ट डेफिसिट हो चाहे वो सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मिलिट्री के दरमियान, चाहे वो पॉलिटिशियंस और जुडिशरी के दरमियान, इफ देयर इज नो ट्रस्ट देन देयर कैन बी नो कोऑर्डिनेशन. एंड दीज सॉर्ट ऑफ डिफरेंट parts or different organs of the government and state cannot function properly. So we need to have coordination. And economy is not an atom, it is an ecosystem. Ye sentence jo hai aap beshak yaad kar le ki economy is not an atom, it is an ecosystem. Aur ek ecosystem mein aapko pata hai ki plants ka survival jo hai wo water ke upar hota hai, animals ka survival plants ke upar hota hai, air ke upar hota hai. So it all sort of hinges together. Theek hai, it is an ecosystem, it is not an atom. The performance of one factor depends on the performance of the other factor. Is sare jo aaj ka jo ye economy ka lecture bhi tha isse bhi aap akhaz kar sakte hain. Don't just limit this lecture to economy but try to understand ki women rights are important for economy. Agricultural productivity is important because
उससे सरप्लस होता है और इन दैट सरप्लस कैन बी एक्सपोर्टेड. सो ऑल ऑफ दीज आर लिंक्ड टुगेदर, इट इज एन इकोसिस्टम. एंड इफ एवरी प्रोविंस हैज इट्स ओन सेल्स टैक्स एन एंटायर इंडस्ट्री माइट शट डाउन एंड दैट देयर शुड बी नो डबल इंसिडेंट्स. इसका सिंपली मतलब ये है कि नेशनल लेवल पे भी वी नीड टू स्ट्रीमलाइन आवर लॉज. डबल टैक्सेशन जो है मतलब एक ही प्रोडक्ट के ऊपर दो मरतबा टैक्स, जस्ट सॉर्ट ऑफ इग्नोर दिस फॉर अ मोमेंट. कहने का मकसद सिंपली है कि देयर शुड बी कोऑर्डिनेशन, और कोऑर्डिनेशन के लिए यू नीड एन इनेबलिंग एनवायरनमेंट. एंड इनेबलिंग एनवायरनमेंट जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रस्ट की बेसिस पे होता है. एंड देन कंपैशन एट द एंड. कंपैशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नॉट जस्ट इन पर्सनल लाइफ बट एट अ नेशनल लेवल एज वेल, जहां पे policy makers, those who are in power, and inshallah some of you will also through civil service come into power or policy making level pe aayenge, education mein, health mein, implementation se leke policy making tak, all of you will play your part. So kehne ka maksad ye hai ki we need compassion whenever we are devising or drafting a policy, because economy at the end of the day is not simply about numbers कि हमारी पर कैपिटा इनकम कितनी इंक्रीज हुई है, या हमारे एक्सपोर्ट्स कितने इंक्रीज हुए हैं, या इनकम ऑफ मेल्स एंड फीमेल्स के दरमियान डिफरेंस कितना कम हुआ है. ठीक है, दीज आर ऑल नंबर्स, बट इकोनॉमी इज मोर देन नंबर्स, बिकॉज लाइव्स ऑफ रियल पीपल आर इन्वॉल्व. एंड वट एवर पॉलिसी मेकर्स डू विल हैव कॉन्सिक्वेंसेस. अगर वो अच्छी पॉलिसीज बनाएंगे, अगर वो अच्छी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट करेंगे, तो they'll be rewarded and the country will progress. If they won't, then what will happen? Then the country will sort of be in a crisis. So kehne ka maksad ye hai ki the 5 C's approach ek baar phir se dekh lein in order to implement, and in order to implement whatever we stated earlier ki aapne agriculture pe focus karna hai, aapne big data ke upar focus karna hai, and you have to focus on renewable energy. These three areas, main aapke sath ye jo file hai main aapse share bhi karunga, in order to focus on agriculture, on renewable energy, on big data, to improve productivity, to improve domestic productivity, which is key to economic success, we need to have courage in women rights, in raising land tax. We need to have competence in identifying people and giving them real authority. We need commitment, we need coordination, and we need compassion. So this was all about how to fix Pakistan's economy. एक दो ग्राफ्स जो है ना वो मैं आपको दिखा देता हूँ, सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स दैट यू कैन यूज इन योर एग्जाम्स, बिकॉज डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ वट एवर यू राइट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. एक तो ये कि आपके नंबर्स भी ज़्यादा आएंगे एंड योर पेपर्स विल ऑल्सो बी डिफरेंट देन अदर्स एज वेल. सो लेट मी जस्ट शेयर सम ऑफ दोज विद यू. वेरी सिंपल that you can use in your exam papers. For example, अगर sustainable development की अगर आप बात कर रहे हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर पाकिस्तान अफेयर्स में आपसे कोई क्वेश्चन आता है, सो सिंपली मेक अ वेन डायग्राम. आई मीन वेन डायग्राम, वी हैव बीन यूजिंग वेन डायग्राम्स सिंस मैट्रिक, और मैट्रिक से हम वी नो हाउ टू सॉर्ट ऑफ एंड हाउ डज इट दिस वर्क, वी ऑल्सो नो दैट. जस्ट मेक सिंपली थ्री सर्कल्स. सस्टेनेबल डेवलपमेंट में देर इज द सोशल सेक्टर, देर इज द इन्वायरमेंटल सेक्टर, देर इज द इकोनॉमिक सेक्टर. सो ये वाला जो हिस्सा है जिसके ऊपर मेरा पॉइंटर है इस वक्त, दिस बेसिकली शोज कि सोशल सेक्टर और इकोनॉमिक सेक्टर के दरमियान कौन सी चीज कॉमन है, या कौन सा वो एस्पेक्ट है विच शुड बी आर फोकस, एंड दैट इज ऑफ एक्विटी. सिमिलरली एनवायरमेंट और सोसाइटी या सोशल सेक्टर्स के दरमियान जो चीज कॉमन है वो है बियरेबिलिटी, दैट वेदर देयर इज द एनवायरमेंट
and society has the capacity to bear whatever changes that you are trying to make. And then economy or environment के दरमियान जो एक सबसे बड़ा link है वो है viability का, कि whether this is viable or not. Viable से simply मतलब ये ले लें कि जो हमारी billion tree tsunami है, इसमें एक सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये उठ सकता था कि ठीक है आपने billion trees plant करने हैं, एक environment के का एक आप ये समझ लें कि initiative है billion tree, but where is the economic aspect to it? How are you going to take care of those billion trees? You need people, you need workmen who would take care of those trees, and on top of it you need water to plant those trees. Pakistan already is a country jahan pe water availability per capita per person has decreased below 1000 liters per person. So how are you going to do that? वहां पे अगर कोई feasibility बनाएंगे तो आप viability देखेंगे कि एक environmental scheme आप जो introduce करने जा रहे हैं जिसकी economic cost भी है. So if it is viable, if it falls between these two areas, then you will go ahead with this. And ये जिस जहां पे मेरा इस वक्त pointer है, this area is what you call sustainability or sustainable because it represents a perfect harmony of social, environmental and economic aspects. So sustainable development ke pure concept ko, if you draw this on half of your page, half of your diagram, you will get more marks rather than simply explaining ki ye sustainable development hai and these are its areas. Isi tarah se this is again another ecological sustainable development, society, environment, economy, and you can simply make small notes here and then explain these in detail. Population growth ke bare mein agar aapne ye aapko bade simple se graphs hain, agar aap dekhen ke x axis pe jo hai wo centuries 1800 1900 2000 2050 ye diye gaye hain, aur y axis pe billions of people starting from 2 until 12. Ab aap dekhen ye jo upar wala jo graph hai, this is showing the population increase of developing countries, Pakistan keh lein, India keh lein, and then jo niche wala jo graph hai, second graph hai, this is the population of developed countries. To ab ye graph dekhne ke baad aapko ye andaaza ho jata hai ki developing countries ki population bahut zyada badh rahi hai, lekin developed countries ki population itni zyada nahi badh rahi. So this is the difference in the population, this area is the difference in the population between developing and developed world. So iske andar aap simply ek chote se graph ke andar aap ye show kar rahe hain, ye represent kar rahe hain ki developing countries need to put in a lot of effort in decreasing the population growth rate of their countries. This is an important graph. I also share these as well so that aap kisi bhi tarah ke sawal mein aap ye wale use kar sakte hain. Ek aur last one more thing that I would like to share with you before I leave. Just a second. Similarly, you can use these illustrations. For example, aapne security threats aap agar discuss kar rahe hain, just simply write security threats here, and then 1, 2, 3, 4, 5th generation warfare, Pakistan India relations, Pakistan Afghanistan, ISIS, all these things. Half aapke half page ke andar ye illustration aa jayegi, and then after illustration you can simply extrapolate and explain that. Isi tarah se three factors, jis tarah se maine aapko domestic productivity ka bataya tha, ya jis tarah se maine aapko kaha tha ki economy ke andar Pakistan ko teen sectors ko prioritize karna chahiye, so simply write yahan pe agriculture,
and renewable energy and big data. So these three, आप उनको diagrammatically भी number one, number two, number three, you can use that. Similarly, ये आप देख सकते हैं use जो भी आपको easy लगे, जो भी diagram आप जो है आप use कर सकें, you can do that. This is another tree diagram. अगर आपने पावर्टी ट्रैप या पावर्टी साइकिल का जिक्र करना है तो दिस इज एन एक्सीलेंट सॉर्ट ऑफ ए विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ हाउ यू कैन डू दैट. सो आई विल शेयर दिस फाइल विद यू एज वेल. Basit, are you there? जी जुनैद, थैंक यू यार. When is the next lecture? We have 10 minutes. You can take few questions, by the way. ठीक है, I'll take a few questions. Sorry, I won't be able to take सबके questions, but जिनके questions हो वो मुझे बाद में, they can send me a message as well. So there are two questions right now, or one question. Ji Ejaz Hussain, you can ask your question. Assalamu alaikum sir. Wa alaikum assalam. सर बेसिकली मुझे क्वेश्चन टॉपिक के हवाले से नहीं है. आई जस्ट वांट टू रिक्वेस्ट कि प्लीज़ आप लोग व्हाट्सएप कोई नया ग्रुप बना दें. हमारे पास बेसिकली ना लिंक्स डायरेक्टली नहीं आ रहे हैं और डेटा भी हमारे पास शेयर नहीं होगा, तो काइंडली आप लोग एक और व्हाट्सएप ग्रुप बनाएं, क्योंकि द व्हाट्सएप ग्रुप इज़ ऑलरेडी फुल और वी आर अनएबल टू जॉइन द व्हाट्सएप ग्रुप. काइंडली, थैंक यू. ठीक है जी, वील ट्राई टू मेक अनदर ग्रुप एंड जो ऐड नहीं हो सके अभी तक, वील ट्राई एंड ऐड देम. Thank you, sir. Thank you. So next question is from naam aapka nahi likha gaya. Last time bhi maine request ki thi ki naam aap kindly apna hi likh dein, taki jab bhi aap sawal kare to it's easier to recognize you. Ji apna introduce karaye apne aap ko, and then you can ask your question. सर, थैंक यू फॉर द लेक्चर, दिस वाज रियली यूजफुल. मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है सर कि ये जो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं अबाउट पाकिस्तान इकोनॉमी, वो हमें पेपर्स से कितने दिन पहले जो है हमें अपने अपडेट कर लेने चाहिए, और कितने अपडेटेड फिगर्स जो हैं, फैक्ट्स एंड फिगर्स जो हम प्रोवाइड करते हैं, वो एग्जामिनर को चाहिए होते हैं सर. काइंडली इसके बारे में गाइड करें. थैंक यू. यूजुअली कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, सीएसएस के एग्जाम्स में, अगर लेट्स से फरवरी में अगर आपके पेपर्स हैं तो दिसंबर तक के भी आप फैक्ट्स एंड फिगर्स आप यूज कर सकते हैं, दैट इज फाइन. बट क्योंकि यहाँ पे यू जस्ट हैव टू मंथ्स, और आई डोंट थिंक कि अगले टू मंथ्स में कोई मेजर ब्रेक थ्रू होगा या कोई पाकिस्तान की जो जीडीपी प्रोजेक्शंस हैं उनमें कोई मेजर फर्क आएगा. सो फॉर नाउ अभी के जो एग्जिस्टिंग जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं यू कैन यूज दैट, बट इफ यू लेटर ऑन प्लान टू अपीयर इन द सीएसएस एग्जाम्स एज वेल, सो एनी रिपोर्ट स्टेट बैंक की हो, चाहे वो वर्ल्ड बैंक की हो या पाकिस्तान इकोनॉमिक सर्वे हो,
वो आप कर लें। अब पाकिस्तान से रिलेटेड क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे जो है वो जल्दी आ जाता है, सो इट्स मच अर्लियर देन डिसम्बर। सो पाकिस्तान के हवाले से, इकोनॉमी के हवाले से जो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ पाकिस्तान है, यू कैन डाउनलोड इट फ्रॉम द मिनिस्ट्री ऑफ सर्वेस वेबसाइट, और वहाँ पे इसकी एटलीस्ट एग्जीक्यूटिव समरी जरूर पढ़ लें, सो दैट यू नो कि हमारे जो सेक्टर्स हैं ऑफ इकोनॉमी डिफरेंट, उनकी क्या परफॉर्मेंस रही है और गवर्नमेंट के फिगर्स क्या हैं, सो दैट यू आर सॉर्ट ऑफ सेफली यू हैव आइडेंटिफाइड ऑल द रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फिगर्स ऑफ इकोनॉमिक्स। थैंक यू सर। नो प्रॉब्लम जी। वन लास्ट क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर। जी प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। मेरा नाम मनाल है। सर मैंने पता करना था कि जो है प्री पार्टीशन में से क्वेश्चंस आएंगे, मतलब मैं पास पेपर देख रही थी 2017 का, तो उसमें सर सैयद के हवाले से एक ही क्वेश्चन था और बाकी पाकिस्तान अफेयर वाले पोर्शन में और बाकी जरा करंट अफेयर वाले ही लग रहे थे या जनरल से क्वेश्चंस लग रहे थे। तो हमें प्री पार्टीशन को उस तरीके से तैयार करना चाहिए कि इस ज्यादा क्वेश्चंस उस तरह से आएंगे या फिर उसमें भी करंट अफेयर के ही सवाल आ जाएंगे। अच्छा, इसमें जो 2017 का अगर आपने पेपर देखा है तो उसमें मैं आपसे एक मिनट वो पेपर भी शेयर कर देता हूँ ताकि इट सॉर्ट ऑफ क्लेरिफाइज योर क्वेरी एंड हेल्प्स अदर्स एज़ वेल। जुनैद जी, जी यार ये जो आवाम बैठी हुई है वेटिंग पे उनको भी कर लें, एडमिट कर लें। ठीक है, आई थिंक वो नेक्स्ट सेशन के लिए होगा, बट अभी हमारा सेशन तो कंप्लीट हो रहा है। चलो सही है। सो एज यू कैन सी ये 2017 का पेपर है और करंट अफेयर्स वाज के सेक्शन में आपको दो सवाल करने थे आउट ऑफ फोर, और पाकिस्तान अफेयर्स के में आपको आउट ऑफ फोर तीन सवाल करने थे। सो देखें आपकी हिस्ट्री से रिलेटेड जो सवाल हैं वो अलीगढ़ मूवमेंट पे सवाल आया हुआ है, और इसके अलावा जो तीन सवाल आए हुए हैं वो सॉर्ट ऑफ कंटेम्प्रेरी इश्यूज के ऊपर आए हुए हैं। तो ये तो है 2017 का पेपर, ये भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लेकिन आप 2007 का पेपर देखें तो उसके अंदर आउट ऑफ थ्री क्वेश्चंस ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम वर फ्रॉम द हिस्ट्रीज सॉर्ट ऑफ हिस्ट्री पोर्शन, लेकिन क्योंकि अब ज्यादा फोकस जो है एफपीएससी का हिस्ट्री की तरफ नहीं है, हिस्ट्री में से अगर चार सवाल हैं तो इनमें से अपने माइंड में रख लें कि शायद एक सवाल आ जाए और बाकी तीन या दो जो हैं वो करंट इश्यूज के ऊपर आ सकते हैं, तो ज्यादा फोकस जो है वो करंट के ऊपर करें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि यू जस्ट सिंपली स्किप हिस्ट्री पार्ट भी करें, क्योंकि हिस्ट्री पार्ट के अंदर नंबर लेना ज्यादा आसान होता है एज कम्पेयर टू कंटेम्प्रेरी, क्योंकि कंटेम्प्रेरी के अंदर यू नीड सॉलिड एनालिसिस, यू नीड गुड फैक्ट्स एंड फिगर्स, तो कंपेरेटिवली ईजी बट डिफिकल्ट टू स्कोर। हिस्ट्री पोर्शन इज अ लिटिल डिफिकल्ट टू सॉर्ट ऑफ क्रैम ऑल दैट नॉलेज बट ईजियर टू स्कोर, सो स्ट्राइक अ बैलेंस कि अगर आपने चार में से अगर आपको तीन सवाल करने को कहे गए हैं तो एक हिस्ट्री का कर लें और दो करंट इश्यूज का कर लें। सो थैंक यू वेरी मच, आई होप कि दिस लेक्चर वॉज यूजफुल, एंड ओवर टू यू बासित, एंड बेस्ट विशेस आप लोगों की तैयारी के लिए, होप टू हैव अनदर सेशन विद यू इन अ वीक और सो। अल्लाह हाफिज। जुनैद जी जी there is a bit late, so you can still take 2 to 3 questions so that he could join. Theek hai ji. So aur sawal, I think Malaika has a question, let me just unmute her. Ji Malaika, you can ask your question. I think she's not available.
चलिए मैं जनरली भी आपको बता देता हूँ कि क्वेश्चन अटेम्प्ट जो है ना वो आपने कैसे करने हैं, थोड़ा सा पेपर अटेम्प्टिंग टेक्निक के बारे में आपको बता देता हूँ कि जब भी पाकिस्तान अफेयर्स के अंदर या करंट अफेयर्स के अंदर या किसी भी सब्जेक्ट के अंदर सवाल आता है तो आपने सवाल जो है क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखें सवाल डायरेक्टली, आंसर नंबर 8, आंसर नंबर 9, आंसर नंबर 10 से स्टार्ट ना करें, सवाल लिखें। सवाल लिखने का एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये होगा कि एक बार जब आप पेपर के ऊपर आप रीड करते हैं कोई क्वेश्चन तो आपको लगता है कि अच्छा इसके अंदर ये इम्प्लीकेशंस या कॉजेज या कॉन्सिक्वेंसेस का पूछा गया है, ठीक है, तो आप एक सॉर्ट ऑफ अपने माइंड में एक असेसमेंट कर लेते हैं कि सवाल जो है या अलीगढ़ मूवमेंट पे है या वाटर इश्यूज के ऊपर है या जिस तरह इकोनॉमी है इसके ऊपर है। लेकिन हो सकता है कि आपकी वो असेसमेंट जो है फोकस्ड ना हो, कि जो आपसे पूछा गया है शायद आप उस चीज के ऊपर ज्यादा फोकस ना कर रहे हो और जनरली उस सवाल के बारे में सोच रहे हो। एक बार आप पेपर के ऊपर से सवाल पढ़ें, उसके बाद सो वंस यू राइट दैट क्वेश्चन, व्हाइल राइटिंग दैट क्वेश्चन आपको पता चल जाएगा कि अच्छा फोकस तो इस चीज पे करना है। सो दैट सॉर्ट ऑफ रीइटरेट्स योर फोकस, कि एक बार आपने सवाल पढ़ा भी और दूसरी बार आपने वो सवाल लिखा भी। सो लिखने से आपको बेहतर पता चलेगा कि सवाल का फोकस कॉजेस के ऊपर है या सवाल का फोकस कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर है, सवाल का फोकस एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स के ऊपर है, इंटरनल एस्पेक्ट्स के ऊपर है, सवाल कंपैरेटिव है या डिस्कर्सिव है या डिस्कशन बेस्ड है। सवाल आप लिखें, उसके बाद इंट्रोडक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इंट्रोडक्शन के पढ़ने के बाद ही कोई भी एग्जामिनर जो है ये डिसाइड कर लेता है कि मार्क्स जो हैं कितने बनते हैं या कितने देने चाहिए। इंट्रोडक्शन आपका बहुत शॉर्ट नहीं होना चाहिए, अगर 30 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो इंट्रोडक्शन जो है वो कम से कम हाफ पेज, ठीक है, आपका एक अच्छा सॉलिड पैराग्राफ आपका इंट्रोडक्शन होना चाहिए। अब इंट्रोडक्शन के अंदर अमूमन हम, आपने सुना भी होगा कि जेनेरिक या थोड़ा सा जनरल हम स्टार्ट करते हैं। अब जनरल स्टार्ट करने वाली बात मुझे खुद भी जब मैं इसी स्टेज से गुजर रहा था, जब तैयारी वाली स्टेज से गुजर रहा था, तो मुझे क्लैरिटी नहीं थी कि जनरल स्टार्ट का मतलब कितना जनरल होना चाहिए या हाउ फार बैक डू आई हैव टू गो टू इंट्रोड्यूस माय टॉपिक। अब अगर इकोनॉमी के ऊपर अगर क्वेश्चन आया है तो यू नीड नॉट टू सॉर्ट ऑफ गो इन टू द इकोनॉमिक सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान इन 1947, दैट इज इररेलेवेंट, ठीक है। अगर आपको पूछा गया है हाउ डू यू फिक्स द इकोनॉमी, तो इंट्रोडक्शन के अंदर इकोनॉमी से रिलेटेड ही कोई जेनेरिक स्टार्ट आपने करना है। लेट मी ट्राई टू से दिस अगेन कि अगर इकोनॉमी के ऊपर आपको सवाल आए और आपने एक जनरल सा स्टार्ट करना है तो आपने इकोनॉमी के बाउंड्रीज के अंदर रहते हुए ही आपने स्टार्ट करना। आप उसको 47 के अंदर ले जाएंगे या आप उसको इंटरनेशनल जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम है IMF या वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वहां से स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे तो फिर आपको उस क्वेश्चन को समेटने में या उसको टाई अप करने में मसला होगा। सो अगर हाउ टू फिक्स पाकिस्तान्स इकोनॉमी है तो स्टार्ट विथ समथिंग रिलेटेड टू एन इकोनॉमिक इशू ऑफ पाकिस्तान, दैट इज हाउ यू जनरली स्टार्ट योर टॉपिक, कि आप उसी टॉपिक के अंदर भी हैं बट यू मेड अ जनरल स्टार्ट। और जनरल स्टार्ट से जिस तरह से मैंने आपको बताया कि आपने सिंपली ये बात की कि कोई स्ट्रक्चरल इशू हमें लगता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमी में है कि हम 13 मरतबा IMF जा चुके हैं, तो दिस इज द सॉर्ट ऑफ स्टार्ट जो एग्जामिनर देखेगा या देखेंगी एंड देन दिल से सो दिस कैंडिडेट नोज व्हाट वाज द क्वेश्चन एंड ऑल्सो नोज हाउ टू स्टार्ट और हाउ टू बिगिन टॉकिंग अबाउट अ क्वेश्चन, नंबर वन। नंबर टू, एक बार आप जब स्टार्ट कर लेंगे सो वी आर इन द इंट्रोडक्शन, अभी भी हम इंट्रोडक्शन का ही जिक्र कर रहे हैं। ऐसे के अंदर आपको जब सर उजैर बताएंगे तो डेफिनेटली ऑल दोस थिंग्स आर ऑल्सो रिलेटेड एंड कॉम्प्लीमेंट्री टू व्हाटएवर आई एम सेइंग, वो उसमें वो डिटेल में आपको बताएंगे।
लेकिन किसी भी क्वेश्चन के अंदर जब आप इंट्रोडक्शन लिखेंगे तो नंबर वन मैंने आपको ये बताया कि इंट्रोडक्शन लिखने से पहले पहले तो आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर लिखें, ब्लैक पेन से लिखें एंड देन स्टार्ट राइटिंग विद अ ब्लू पेन। उसके बाद आपने इंट्रोडक्शन जो है यू हैव टू मेक श्योर कि रिस्पेक्टेबल उसकी लेंथ हो, बिल्कुल 2 या 3 सेंटेंसेस का इंट्रोडक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए, स्पेशली जब 20 नंबर का 30 नंबर का सवाल क्वेश्चन है। 2 to 3 लाइंस इंट्रोडक्शन नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल, और 2 पेजेस का इंट्रोडक्शन अगेन नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। रीजनेबल इज हाफ अ पेज, ठीक है, एट मैक्स, अगर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाए तो 3/4 ऑफ द पेज एट मैक्स, उससे ज्यादा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सो हाफ द पेज is an ideal introduction for a 20 to 30 marks question. उसके बाद आपको मैंने तीसरी चीज बताई कि start हमेशा अच्छा लें, किसी general बात से start करें, लेकिन वो general बात आपके सवाल से ही related होनी चाहिए। अगर economy से related कोई बात करनी है तो society से related कोई general बात नहीं करनी, या culture से related कोई general बात नहीं करनी, economy से ही related कोई general बात करनी, number one. And one, जी बस ठीक है, आपके पास 1 मिनट है, फिनिश करें। आई जस्ट रैप दिस अप। सो वंस यू स्टार्ट विद अ जनरल एंड देन यू हिट द टॉपिक डायरेक्टली, जनरल से स्टार्ट करें, स्टार्ट करने के बाद टॉपिक के ऊपर आए डायरेक्टली कि ये मेरा टॉपिक है, हाउ टू फिक्स पाकिस्तान इकोनॉमी, नंबर वन। और इस सवाल के अंदर मैं ये 4 से 5 चीजें बताऊंगा, ऑलवेज write these things in the beginning, always sort of tell this to your reader ki ye mera sawal hai aur iske andar maine ye 4 ya 5 ya 6 cheeze batani hai and then conclude it, to ye aapka ek acha introduction hoga. So over to you Basit and Allah Hafiz from my side. Thank you Junaid, mujhe host bhi bana dijiyega. Ji ji. I have made you a host now. Thank you. Okay, Zia, Allah Hafiz. Assalamu alaikum. साहब स्टार्ट करें सर, आ गए आप, जज़ाकअल्लाह माशाल्लाह, चलें सर स्टार्ट करें, हो गया टाइम आपका, योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। थैंक यू ब्रदर। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज जो हमारा टॉपिक है वो ऐसे है, ऐसे के ऊपर मैं थोड़ा सा पहले आपको आउटलाइंस डिस्क्राइब करूंगा कि आउटलाइंस में क्या मेन चीजें इंक्लूडेड होती हैं, कुछ स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ कंपोनेंट्स हैं, उनको आपने ज़रूर मद्देनजर रखना, और फिर ऐसे कि हम एक आउटलाइन देखेंगे, सैम्पल आउटलाइन जो मैंने लिखी थी, एंड आई होप दैट यू विल प्रॉबली फाइंड समथिंग टू लर्न फ्रॉम इट। लेकिन सबसे पहले थोड़ा हम जनरल ऐसे के ऊपर बात करेंगे, मैंने 3-4 सेशन इंशाल्लाह इस ऐसे के ऊपर हम करेंगे। CSS में जो ऐसे हमने जब अटेम्प्ट किया था तो हमें जो पहली चीज़ बताई गई थी वो ये थी कि इट्स नॉट अबाउट आप कितना बेहतर तरीके से अपने कितना आप एडवांस्ड अंदाज में इंग्लिश लिखते हैं, डजंट मैटर, इस चीज की कोई वैल्यू नहीं है कि आप कितने एक्सटेंसिव वर्ड्स यूज करते हैं, कितना कॉम्प्लेक्स सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इस्तेमाल करते हैं, इस चीज की कोई वैल्यू नहीं। व्हाट ट्रूली मैटर्स, जो सबसे अहम चीज है, वो ये है कि क्या आपने टॉपिक को सही से समझा है या नहीं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास टॉपिक है नेशनल यूनिटी एंड द वाटर क्राइसिस, तो ऐसा ना हो कि आप वाटर क्राइसिस के बजाय पाकिस्तान में डैम की अफादियत के ऊपर आप ऐसे लिख के आ जाओ। ये एक बड़ी कॉमन गलती है, बहुत सारे हमारे साथ ये हमेशा से करते हैं ऐसे में, कि पूछा कुछ गया होता है और वो लिख के कुछ और आ जाते हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जो मेरे ख्याल में सबसे अहम आई थिंक चीज़ है जो कि अक्सर लोग मिस करते हैं, वो ये है कि आप ऐसे जो है ना रट्टा मार के जाते हैं, आप कुछ जैसे बड़े टॉपिक्स पे ऐसे याद कर लेते हैं, पाकिस्तान डिफेंस, वर्ल्ड वॉर्स, पाकिस्तान इकोनॉमी, इस तरह के 8-10 टॉपिक्स होते हैं जिन सब पे आप अपना जो है
याद कर लेते हैं जिस चीज का अनम्यूट हुआ प्लीज म्यूट करें, ये बाहर नाम का कोई शख्स है इसको चाहिए जब ना म्यूट करें माइक प्लीज म्यूट करें यार। अच्छा प्लीज जिस इसके माइक ऑन है प्लीज म्यूट करें, डिस्ट्रैक्शन होती है पूरा फ्लो टूट जाता है कन्वर्सेशन का। खैर तो आपने जब भी टॉपिक डील करना है आपने सबसे पहले समझना है कि क्या चीज है, कोई टॉपिक याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे याद नहीं करना। अगर रट्टा मारेंगे और पेपर में जाके जब वही चीज रिप्रोड्यूस करेंगे तो 90% ऑफ द टाइम्स आपका ऐसे फेल हो जाएगा। उसकी वजह यह है कि हर साल जो टॉपिक आता है ना, चाहे हर साल आपके पास जेंडर स्टडीज या जेंडर इश्यूज पर ऐसे जरूर आता है लेकिन उसकी डिमांड मुख्तलिफ होती है। फॉर एग्जाम्पल एक टॉपिक अगर जेंडर एम्पावरमेंट के ऊपर है तो उससे अगले साल जेंडर वायलेंस के ऊपर ऐसे आ जाएगा। होता यह है कि जब आप फीमेल विमेन जेंडर के अल्फाज देखते हैं तो आप एक तरह के एसेज रिप्रोड्यूस करना शुरू हो जाते हैं और वो एग्जामिनर को साफ पता चल जाता है कि आपने ऐसे याद किया और आप ऐसे पहले से तैयार करके आए हैं और आपने ऑन द स्पॉट अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने के बजाय आपने घिसे पिटे आइडियाज को रिप्रोड्यूस करना बेहतर जाना एंड दैट अल्टीमेटली लीड्स टू फेलियर इन द एसे। तो ऐसे में आपने सबसे पहली चीज ये करनी कि ऐसे याद नहीं करना, डोंट मेमोराइज एनी ऐसे। कोई बंदा अगर आपको कहता है कि ऐसे याद करके चले जाओ दैट इज नॉट अ वेरी गुड अप्रोच। हो सकता है कुछ लोग इससे पास भी होते हो लेकिन वो बहुत कम है। यूजली मेजोरिटी जो लोग ऐसे में पास होते हैं उनकी स्ट्रेटजी यही होती है कि वो ऑन द स्पॉट एग्जाम में जाके ऐसे की आउटलाइन बनाते हैं, अपना दिमाग ऑन द स्पॉट इस्तेमाल करते हैं और कोई ऐसे याद नहीं करते। तो ये दैट इज समथिंग दैट आई थिंक शुड बी क्लियर टू ऑल ऑफ यू। दूसरी चीज ये है कि आपने ऐसे को समझना है। समझने से मुराद ये है कि फॉर एग्जाम्पल हम लोग कई दफ़ा ऐसे के ऊपर ना वाटर सपोज हम वाटर क्राइसिस के ऊपर बात करते हैं, वाटर क्राइसिस के ऊपर अगर आपसे सवाल पूछा जा रहा है तो आपने वाटर यानी कि या डैम्स की अफादियत पे ऐसे नहीं लिखना। इसलिए गौर से पढ़ें। द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स ऐसे यू मेमोराइज यू ट्रूली क्लोजली ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग फ्रॉम यू। यहाँ पे आई थिंक सुमेरा का सवाल है। जी सुमेरा आपके हैंड रेज्ड है, क्वेश्चन? अच्छा नहीं क्वेश्चन नहीं आई थिंक। एनीवेज जी सुमेरा किया था सर, इंग्लिश का नहीं था, सॉरी सर, पहले क्लास का था। ओके ओके अच्छा ठीक है। अच्छा सो अब आपके ऐसे जो है ना, मैं जैसा कह रहा था कि आपने टॉपिक को बार बार पढ़ना है, गौर से पढ़ लें टॉपिक को कि एग्जैक्टली टॉपिक में मांग क्या रहा है, क्योंकि अगर आपने टॉपिक को सही से इंटरप्रेट कर लिया देन हाफ द जॉब इज डन रियली। इफ यू कैन अंडरस्टैंड एंड इंटरप्रेट द टॉपिक प्रॉपरली देन यू विल डू वेरी वेल इंशाल्लाह, बिकॉज दैट्स वेयर मोस्ट ऑफ द पीपल फेल। दे डोंट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट द टॉपिक इज आस्किंग फ्रॉम यू, दे जस्ट ट्राई टू यू नो इंटरप्रेट अकॉर्डिंग टू देयर ओन नीड्स एंड डिजायर्स। सो डोंट डू दैट। टॉपिक को पढ़ें सुकून से, आराम से उसको समझने की कोशिश करें और फिर उसको उस पर अपनी आउटलाइन बनाएं। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें होगी जो आई थिंक एवरीबडी शुड नो। कुछ जनरल टिप्स भी हैं आप जब तैयारी कर रहे हैं, और ये सिर्फ इस एग्जाम के लिए तैयारी की एडवाइस नहीं है बल्कि जनरली जब आप आगे CSS देते हैं या अगला साल या जब भी अगला CCE होता है तब आप दोबारा अगर अपेयर होते हैं तो उसके लिए जनरल प्रैक्टिस ये है कि आपने जितना आप पढ़ेंगे उतना आप बेहतर अंदाज में लिख सकेंगे, जितना बेहतर तरीके से आप अपने आइडियाज़ को एक्सप्लेन जितना बेहतर तरीके से आप पढ़ेंगे, जितना ज़्यादा अखबार के आर्टिकल्स पढ़ेंगे किताबें पढ़ेंगे उतना अच्छा आपका एक्सप्रेशन होगा, और एक्सप्रेशन आपका रीडिंग से ज़्यादा बेहतर तरीके से इम्प्रूव नहीं हो सकता। सो रीड एज मच एज यू कैन, बिकॉज दो फायदे होते हैं, एक तो ये कि आपकी रीडिंग से आपकी नॉलेज डेवलप होती है और दूसरा ये कि आपका लिखने का अंदाज इम्प्रूव होता है। तो ये बड़ी अहम चीज़ है और इसको मिस नहीं करना है कि आप ज़रूर मुताले की आदत डालें, नॉलेज भी इम्प्रूव होगा, रिटन एक्सप्रेशन भी इम्प्रूव होगा, ग्रामर की मिस्टेक्स भी रिमूव हो जाएंगी, स्पेलिंग की मिस्टेक्स भी खत्म हो जाएंगी। सो ऑल इन ऑल आई थिंक रीडिंग इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जब आप ऐसे की तैयारी कर रहे होते हैं। तो ये दूसरी एडवाइस होगी। अच्छा दूसरी तीसरी चीज़ ये है कि आपने जो है ना लिखना ज़रूर है, रोज़ाना कुछ ना कुछ लिखें, एक पैराग्राफ लिखें, एक पेज लिखें या 10 pages लिखें, लेकिन लिखें ज़रूर, क्योंकि द मोर यू राइट द मोर यू गेट द प्रैक्टिस ऑफ ट्रांसलेटिंग योर थाट्स इन टू वर्ड्स। कई दफ़ा हम चीज़ें सोचते हैं और हम बहुत अच्छा सोचते हैं लेकिन जब वो पेपर पे आता है तो वो कुछ और ही बन चुका होता है, और ये ऐसी चीज़ है जो कि हम आगे भी डिस्कस करेंगे क्योंकि दिस इज़ वन ऑफ द मेजर इशूज़ दैट अ लॉट ऑफ पीपल फेस इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि जो आर्ग्यूमेंट्स हम दिमाग में सोचते हैं हम उससे सही से
पेपर पे ट्रांसलेट नहीं कर पाते क्योंकि ऑब्वियसली इंग्लिश हमारी फर्स्ट लैंग्वेज नहीं है और बेसिकली हम ये कर रहे होते हैं कि हम उर्दू में सोचते हैं, जो सोचा उसे ट्रांसलेट करते हैं और फिर उसे इंग्लिश में लिखने की कोशिश करते हैं। तो ये जो थ्री स्टेप प्रोसेस है ना, इसमें हमारा जो ख्यालात की अफादियत है या ख्यालात की इफेक्टिवनेस है वो कहीं रह जाती है। तो आपने ज़रूर जितना पॉसिबल हो लिखे हैं क्योंकि राइटिंग प्रैक्टिस जो है दैट इज़ वन ऑफ द कीज टू स्कोरिंग वेल इन द एसे एग्जाम। तो ये तीसरी चीज़ होगी। उसके बाद एक जनरल एडवाइस है, ये सिर्फ एसे के लिए नहीं बल्कि बाकी जो आप सब्जेक्ट्स आंसर करेंगे, जो भी आप सब्जेक्ट में अपेयर होंगे, ट्राई टू अडॉप्ट द स्टाइल ऑफ एडिटोरियल। जिसने डॉन के एडिटोरियल्स पढ़े हैं वो जानते हैं कि डॉन का एक मखसूस स्टाइल है लिखने का और वो बड़ा इंटरेस्टिंग स्टाइल होता है, बड़ा प्रोफेशनल और बड़ा कंसाइज और बड़ा इम्प्रेसिव स्टाइल होता है। तो जो डॉन का एडिटोरियल स्टाइल है लिखने का वो ज़रूर उसको अडॉप्ट करने की कोशिश करें क्योंकि वो एग्जामिनर पर बड़ा अच्छा इंप्रेशन डालता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे वो अडॉप्ट किया जाए, तो वही बात है कि जितना आप पढ़ेंगे उस को उतना बेहतर अंदाज में आप इसको इम्प्रूव कर सकेंगे। और अच्छा जी, ये हो गया हमारा नॉन एडिटोरियल की बात हो गई। अब फॉर एग्जांपल इसकी मैं आपको मिसाल देता हूँ। एक सेंटेंस है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। अब ये हमारा सेंटेंस हो गया। और यार ये जो है ना हवाई भी साहब अपना जो है ना म्यूट रखें, वरना आपको हमने निकाल देना है, ठीक है? इसको म्यूट रखें, बार बार अपने तो अनम्यूट ना करें, जो सवाल है तो पूछें आप। तो खैर मैं आपको एक सेंटेंस की एग्जांपल देता हूँ जो कि आई थिंक इट वुड बी वेरी यूजफुल। एक एग्जांपल है, एक सेंटेंस है, ग्लोबल वार्मिंग इज अ ग्रेट थ्रेट टू द वर्ल्ड फुल स्टॉप, इट कैन लीड टू लॉस ऑफ लाइफ एंड बिजनेस, इट मस्ट बी स्टॉप्ड। ये आपका सेंटेंस एक मिसाल के तौर पर हमने ऐसे के ऊपर लिख लिया, ग्लोबल वार्मिंग के ऊपर ये सेंटेंस। लेकिन इससे बेहतर अंदाज में आप सेंटेंस लिख सकते हैं, वो ये है कि ग्लोबल वार्मिंग इज एन एग्जिस्टेंशियल थ्रेट टू द प्लैनेट विद द पोटेंशियल टू इम्पैक्ट लाइवलीहुड्स ऑफ मिलियंस अक्रॉस द ग्लोब फुल स्टॉप। वर्ल्ड लीडर्स मस्ट स्टैंड टुगेदर टू टैकल दिस चैलेंज फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी। अब ये दो सेंटेंस हैं, दो एग्जाम्पल्स हैं और दोनों में एसेंशियली बात वही हो रही है, लेकिन जो मैंने दूसरे एग्जाम्पल दिया वो ज़्यादा यू कैन से इट इज़ मोर रीडेबल, मोर अंडरस्टैंडेबल और ज़्यादा बेहतर तरीके से अपना जो पॉइंट है वो पुट अक्रॉस करती है। एंड आई थिंक दिस इज समथिंग दैट यू कैन पिक अप बाय राइटिंग एज मच एज यू कैन। तो ये कुछ मिसालें थी जो आई वांटेड टू डिस्कस बिफोर वी स्टार्ट। अब ऐसे की मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं, टॉपिक्स जो हैं मुख्तलिफ तरह के होते हैं जो कि आपको एग्जाम में इनकाउंटर करेंगे। कुछ ऐसेज होते हैं, जो मेरी फेवरेट टाइप है वो है स्टेटमेंट बेस्ड ऐसेज, यानी कि आपके सामने स्टेटमेंट रख दी जाती है और रूल ऑफ थंब जो है, जो हमारे सीनियर्स हमें बताते हैं वो ये है कि आपने वो ये है तो रूल ऑफ थंब आपका ये स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे में कि आपने जो स्टेटमेंट आपको दी हुई है ना, आपने उसको सपोर्ट करना है, उसकी फेवर में आपने आर्ग्यूमेंट डेवलप करना है। अब स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे की मिसाल, पहली मिसाल मैं आपको दे देता हूँ। इट वॉज ऑल्सो इन वन ऑफ द सी एस एस एग्जाम्स एज वेल। द टॉपिक इज न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। ये एक पास्ट पेपर में एक ये ऐसे का टॉपिक आया था जिसमें बेसिकली आपसे ये डिमांड किया जा रहा है कि आप ये आर्ग्यू करें कि आइंदा वाले वक्तों में, आने वाले वक्तों में जो जंगें होंगी या जो कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स होंगे वो हमारी इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करेंगे। आई होप ये जो टॉपिक है इट हैज मेड सम सेंस टू यू। आई विल रिपीट द टॉपिक अगेन। द टॉपिक इज न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स। मैं इसको चैट में भी लिख देता हूँ, जो लोग मिस कर रहे हैं वो भी देख लें। न्यू वॉर फ्रंट्स lie in economic zones। अब ये एक स्टेटमेंट है जो कि आपके सामने टॉपिक की सूरत में आई हुई है और इसका जो मेन इसमें जो रिक्वायरमेंट है वो यही है कि आपने एक्सप्लेन करना है, जैसा मैंने बताया, कि कैसे हम जो आने वाले वक्तों में जंगें होंगी वो इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करें। एंड दिस इज वन ऑफ द कीज व्हेन यू आर टेकिंग होम योर एसे। आपने जब भी एसे की प्रैक्टिस करनी है आपने
समझ में कि उसमें जब भी आपने ऐसे को डील करना है यू विल हैव टू मेक श्योर कि यू अंडरस्टैंड द टॉपिक, जैसे मैं पहले बताया था. तो इसमें जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमारी वो ये है कि आने वाले वक्तों में जो भी जंग होगी वो इकोनॉमी के अराउंड रिवॉल्व करेगी, और उसमें फिर नेचुरली जब आप उसको उसको ऐसे जो लिखेंगे उसमें आर्ग्यूमेंट देंगे कि इस तरह से दुनिया में इस वक्त एक ट्रेड वॉर की कैफियत जारी है, यूएस और चाइना दोनों इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए इस वक्त जॉसल कर रहे हैं आपस में, उनकी टसल चल रही है, सो ऑन एंड सो फोर्थ. सो ये जो है ना एक स्टेटमेंट बेस्ड टॉपिक की एग्जाम्पल है. एक और एग्जाम्पल है democracy and illiteracy do not move together. यहाँ पे मैं लिख देता हूँ democracy and illiteracy. जी जनाब. चैट भी इनेबल कर दो. चैट इनेबल कर दो. हाँ वो आ नहीं रहा. ओके. अच्छा वो मीटिंग रूम में सारे मैसेजेस जा रहे थे तो मैं अभी दोबारा. हाँ वो चेंज करना सेटिंग्स थोड़ी सी. राइट. ये आ गया जी आपके पास टॉपिक वन democracy and illiteracy. Do not move together. तो अब इसमें किसी को आइडिया कि इसमें क्या डिमांड हो रहा है? Anybody could just unmute themselves and चलें. सो इसमें बेसिकली आपकी जो डिमांड है ऐसे की वो ये है, आपने आर्ग्यू करना है कि किस तरह से जमहूरियत और जहालत वो साथ साथ नहीं चल सकते. मैंने लिटरली ट्रांसलेट. जी जी बताइए. सर व्हाट आई फ्रॉम द टॉपिक इज कि जहाँ पे डेमोक्रेसी आपने फ्लरिश कराना है जिस कंट्री में, वहाँ ज़रूरी है कि जो लोग हैं वहाँ के सिटीजन्स लिटरेट हों. सो वी हैव टू जस्ट राइट इन एसे अबाउट इट. बिल्कुल ऐसा ही है. अगर लिटरेट होंगे तो वो सही लोगों को वोट करेंगे, सही लोगों से सही लोग जो है वो क्या कहते हैं आपकी हुकूमत में आएंगे, तो आपकी क्या कहते हैं बेहतरीन डेमोक्रेसी चल सकती. बिल्कुल. सोसोनिया ने जो एक्सप्लेन किया ना बेसिकली उन्होंने क्रक्स जो है इस टॉपिक का वो एक्सप्लेन किया, और विकास ने जो बताया वो बेसिकली उन्होंने आगे उस पर मजीद एलैबोरेट किया कि उसके अंदर हमारे आर्ग्यूमेंट्स क्या होंगे, और दोनों ने बिल्कुल सही इंटरप्रेट किया कि किसी भी मुल्क में अगर आपने जमहूरियत को कामयाब करना है तो वहाँ पर जो अवाम है उनको जहालत से आज़ाद होना ज़रूरी है. यानी कि अगर आप जाहिलों को डेमोक्रेसी दे देंगे तो डेमोक्रेसी नहीं चल सकती. दिस इज़ वॉट द एग्जामिनर इज होपिंग that you will argue in favor of. जैसा मैंने पहले बताया था कि जो भी स्टेटमेंट होगी आपने उसे सपोर्ट करना है और उसकी फेवर में अपने आर्ग्यूमेंट्स डेवलप करने. तो अब इंसिडेंटली मैंने भी यही टॉपिक चूज किया था और मैंने भी इसी तरह से इंटरप्रेट किया था जैसे सोनिया ने और विकास ने भी एक्सप्लेन किया कि यू विल बी आर्ग्यूइंग दैट डेमोक्रेसी विल ओनली वर्क व्हेन यू हैव अ लिटरेट पॉपुलेशन. अब जैसे आई थिंक विकास ने भी एग्जाम्पल दिया कि जब तक लोग अपना सही और गलत नहीं समझेंगे तब तक वो सही लोगों को वोट नहीं देंगे. तो जब आपकी डेमोक्रेसी सही लोगों को सामने नहीं लेके आएगी तो फिर वो डेमोक्रेसी कामयाब नहीं हो सकती. तो इसी तरह की आपने आर्ग्यूमेंट्स इस टॉपिक में डेवलप करने हैं कि आपने बेसिकली जो मैंने किया था इसमें वो मैंने टॉपिक को ब्रेक डाउन किया था कि एक तरफ डेमोक्रेसी है और इलिटरेसी है, दोनों को मैंने देखा कि उसके why do they not move together, क्यों democracy और illiteracy साथ नहीं चल सकते. And I think this is one of the keys that you all need to understand कि जब भी topic आपको समझ ना आ रहा हो तो उसे break down करें, उसको आप थोड़ा सा break down करके मुख्तलिफ dimensions में देखें, उसका analysis करें और फिर उसके ऊपर अपना जो है thesis statement develop करें. अब thesis statement क्या है वो मैं इंशाल्लाह थोड़ी देर में आपको explain करता हूँ. नूर ने अपना hand raise किया. जी नूर बताइए. Unmute कर दो. अस्सलाम वालेकुम सर. एम आई ऑडिबल? जी जी वालेकुम सलाम, यू ऑडिबल. सर मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे अभी आपने बताया कि जो स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे होंगे उनको आपने उसके साथ एग्री करना है आपने, तो सर अगर हम डिसएग्री कर दें तो क्या होगा? लाइक मैंने अभी सीएसएस के. जी जी बिल्कुल सही है, डिसएग्री में कोई मसला नहीं है, लेकिन एज अ जनरल रूल ऑफ थंब जो मुझे मेरे सीनियर्स ने बताया था वो ये था कि यार इट्स ऑलवेज अ सेफ बेट कि आप you agree with it, you can always disagree with it, there is no harm in that. But जो मैंने observe किया, जो मैंने जी जी सर फिर ये भी कहा जाता है कि आपने जो है ना
ऐसे में अपना ऑप्टिमिस्टिक व्यू शो करना है, आपने पेसिमिस्ट नहीं होना. तो डोंट यू थिंक सो कि अगर हम अगर स्टेटमेंट हमारी थोड़ी सी नेगेटिव उसकी वो हो और हम पॉजिटिव होना चाहें. फॉर इंस्टेंस जो 2021 का सीएसएस के ऐसे में एक ऐसे था कि यूनिवर्सल ह्यूमन राइट इज यूटोपिक. तो सर उसके अगर हम अगेंस्ट चले जाएं, मतलब कि पॉसिबल हो अगर कुछ ऐसा कर दिया, मतलब इसलिए ताकि वो पॉजिटिव थोड़ा सा कहते हैं आप, आई डोंट नो कि ये मिथ है कि रियलिटी के ऐसे में आपने बहुत ऑप्टिमिस्टिक रहना होता है. सो काइंडली इस पे थोड़ा सा ये जो पॉजिटिव वाली बात है ना, ये मैंने तो नहीं, मुझे तो नहीं पता थी, तो आई कैन रियली कमेंट ऑन इट. देखिए ऐसे में होता ही है कि हमारे सारे सीनियर्स हैं ना, हर सीनियर की एक डिफरेंट अप्रोच होती है. मे बी शायद ये भी एक अप्रोच हो, लेकिन जो मेरी अप्रोच थी वो बड़ी ये थी कि जस्ट स्टिक टू व्हाट द स्टेटमेंट इज सेइंग. जैसे मैं कह रहा था कि जब मैंने जब प्रैक्टिस की थी, तो जब भी मैं स्टेटमेंट से एग्री करता था तो मैंने ये फेल किया था कि इट वॉज ईजियर टू एग्री विद द स्टेटमेंट देन डिसएग्री विद द स्टेटमेंट. मेरे पास जब मैं पॉइंट्स बनाने बैठता था तो स्टेटमेंट की फेवर में ज्यादा पॉइंट्स बन रहे होते थे, तो इसलिए मैं अक्सर फेवर में ही जाता था. तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है. जो पॉजिटिव वाली बात है वो आई कांट रियली कमेंट ऑन इट, मुझे खुद मेरे इल्म में नहीं है कि क्या हमें इसको किस तरह से लेना चाहिए. लेकिन जो आई थिंक द की हियर इज कि वेदर यू एग्री विद इट और यू डिसएग्री विद इट, यू शुड मेक लॉजिकल सेंस. आपके पॉइंट में सेंस होना चाहिए कि व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग फॉर, वेदर यू आर आर्ग्यूइंग अगेंस्ट अ पॉइंट और यू आर आर्ग्यूइंग इन फेवर ऑफ इट. You have to make sense. You sir, have to अगर आपके पास strong arguments है तो आप disagree भी कर सकते हैं, लेकिन वो मुश्किल हो जाएगा. I think आप कह रहे हैं ये मुश्किल हो जाएगा अगर हम disagree करें, लेकिन आपके पास अगर arguments है, आपके पास information है, तो आप disagree भी कर सकते हैं. जी 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 बिल्कुल जी, थैंक यू. हाँ जी साजिद का क्वेश्चन है. साजिद SS साजिद आपने हैंड रेस किया, पूछे. चले साजिद के पास क्वेश्चन है. सुल्तान मीर आपका, आपने हैंड रेस किया था. सर भाई मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अभी आप टॉपिक हमारे सामने शेयर करो सर, इसमें डेमोक्रेसी एंड लिटरेसी कांट मूव टुगेदर. तो सर इसमें हमने जो पॉइंट पर हिट करना है जिस पे हमने आर्गुमेंट्स देने हैं, डेमोक्रेसी और लिटरेसी एक साथ नहीं चल सकते. तो इसमें हमने जो चीज हिट करने उसके ऊपर कितने आर्गुमेंट्स हमें बिल्ड करने पड़ेंगे, कितने पैराग्राफ लिखने पड़ेंगे. ठीक है, जनरली जो मैंने जो अप्रोच फॉलो की थी वो ये थी कि 6-7 पॉइंट्स आर इनफ. अगर आप 8 बना लेते हैं आर्गुमेंट्स दैट इज द बेस्ट, तो इट्स अप टू यू. आप 6 बना लें दैट शुड बी इनफ एज वेल. लेकिन वही बात है कि हर तरह की लेंथ कितनी होनी चाहिए, कितने वर्ड्स का पैराग्राफ होना चाहिए. हर की लेंथ वेरीज, इट ऑनेस्टली इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन. हर बंदे की डिफरेंट लेंथ होती है. So it doesn't really matter के आप, लेकिन देखिए एक चीज है कि आपका एक ऐसे है ना उसका aesthetic होता है. ऐसा ना हो कि एक आपका paragraph 20 lines का हो, that also doesn't seem nice. पूरे page का paragraph नहीं लिखना. Usually paragraph जो होता है ना, एक page पे usually 2 paragraphs आते हैं maximum. ठीक है, तो इस हिसाब से आप देख लें आप कितनी lines बनेंगी उतने बना लें. बहुत लंबे paragraphs नहीं बनाने, that really kills the gist of what a paragraph should be. Usually I don't know 7-8 lines का paragraph होता है. I think that should be enough. But आप देख लेंगे एक पेज में कितने 2 पैराग्राफ आते हैं मैक्सिमम. सही है, तो इससे ज्यादा बनाएंगे तो वो बहुत अजीब सा लगता है. So try to, you know, limit it. बहुत लंबा है. सर मेरा जो क्वेश्चन है वो ये है कि अगर हम आर्गुमेंट बेस्ड इसे हम अगर हम करते हैं उसके साथ चलते हैं, तो फिर उसमें जो आर्गुमेंट्स की वेटेज होनी चाहिए इसे में वो कितनी होनी चाहिए, और रिकमेंडेशंस काजेस वगैरह की वेटेज क्या होनी चाहिए. आर्ग्यूमेंट्स पे स्कोरिंग जो है ना आपकी 70% मेरे हिसाब से, तो आपका फोकस होना चाहिए आर्ग्यूमेंट्स पे. जितने अच्छे आर्ग्यूमेंट होंगे उतना अच्छा आपका ऐसे होगा. जो रिकमेंडेशंस हैं वो आपका मे बी 10-20% वेटेज कैरी करता है मेरे पॉइंट ऑफ व्यू में. आई माइट बी रॉन्ग, लेकिन जो मैंने अप्रोच फॉलो की थी वो यही थी कि 70% ऑफ माई फोकस वॉज ऑन द आर्ग्यूमेंट्स एंड द थीसिस स्टेटमेंट. दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ये जो सारी है ना आर्ग्यूमेंट्स बिल्ड करना और फिर रिकमेंडेशन देना, ये अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे. अभी हम सिर्फ जनरल बातें कर रहे हैं कि जनरली हमने किस तरह के एसेस को हमने डील करना. तो आई विल बी आंसरिंग दैट क्वेश्चन इन मोर डिटेल लेटर ऑन. थैंक यू. जी इसरार आपका क्वेश्चन. इसरार करीम. जी अस्सलाम वालेकुम सर. वालेकुम सलाम. सर काइंडली ये जो अभी सिस्टर का क्वेश्चन आया था स्टेटमेंट के रिलेवेंट ना, तो उसमें पूछा ये गया था कि मतलब
स्टेटमेंट को हम एग्री करें या डिसएग्री, हम डिसएग्री भी कर सकते हैं। तो सर इसमें मैं अपनी जरा अपनी ओपिनियन देना चाह रहा था। इसमें असल में होता है कि मेरे हिसाब से वो जो वहाँ पे स्टेटमेंट आता है वो काफी रिसर्च के बाद एक कंक्लूसिव काइंड ऑफ स्टेटमेंट होता है, ठीक है ना। तो काफी रिसर्च के बाद वो स्टेटमेंट बनी होती है, तो मेरे हिसाब से उस पे एग्री करना ज्यादा फेवरेबल होगा एज कम्पेयर टू डिसएग्री करना। और सर एक और क्वेश्चन काइंडली, अगर ये क्वेश्चंस ना अगर काइंडली आप एंड पे रख दे तो ये लेक्चर का फ्लो ना टूटे और हमें ज्यादा बेहतर समझ आ सके, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलिए, हां मेरा ख्याल है इस तरह चल रहे हैं, आखिरी सवाल ले लेते हैं। मारिया जी, मारिया आपका सवाल। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि लाजमी है कि हर बार हमें ऑर्गुमेंटेटिव इसेज ही आएंगे, कोई डिस्क्रिप्टिव नैरेटिव डिफरेंट टाइप के नहीं आ सकते परसुएसिव? हां अभी हम इसी पे आ रहे हैं, इसी पे आ रहे हैं। ठीक है जी, अच्छा जी, थैंक यू। अच्छा क्वेश्चन हम एंड पे ले लेंगे, अभी हमारे पास 6 बजे तक टाइम है, 6। ठीक है, सो वी विल टेक दिस क्वेश्चन एट द एंड। अच्छा अब स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे आप सबको क्लियर हो गया कि हमने क्या करना है उसमें, इसकी जो आउटलाइन बनाना सीखना है वो अभी हम इसी सेशन में इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, इसी सेशन में हो जाए, इसमें ना हो तो इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कर लेंगे। स्टेटमेंट बेस्ड ऐसे हमारे सामने क्लियर है, किसी भी सवाल हो एंड में पूछें। अगला क्वेश्चन जी जो टाइप आती है वो है क्वेश्चन बेस्ड ऐसे, यानी कि आपके सामने सवाल रख दिया जाएगा और सवाल का आपने जवाब देना। फॉर एग्जाम्पल, विल रूल ऑफ लॉ ऑलवेज रिमेन एन इम्प्रैक्टिकेबल मिथ in our country? ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ so that it is more clear to everyone. Will rule of law always remain an impracticable myth in our country? ये है जी सवाल हमारा, this is the essay. It's a question mark, it's a question which basically means कि आपके पास open playing ground है, you can follow any argument you want as long as it is relevantly answering the question. अब रेलेवेंटली आंसरिंग मैं क्यों कह रहा हूँ, व्हाई इज माय फोकस ऑन रेलेवेंस, क्योंकि होता ही है कि जब आपके पास क्वेश्चन बेस्ड ऐसे हो ना तो अ लॉट ऑफ अस वी टेंड टू इंटरप्रेट क्वेश्चंस एज पर आवर ओन अंडरस्टैंडिंग। अब हमें से जो लोग जिनका लॉ का बैकग्राउंड है वो लॉ के की नुएंसेस में फंस जाएंगे और वो फिर लॉ के हिसाब से उस सवाल को इंटरप्रेट करेंगे और लीगल जार्गन को अंदर ले आएंगे। इसी तरह जो लोग पॉलिटिकल साइंस के बैकग्राउंड से वो शायद किसी और तरह से इंटरप्रेट करें। तो आपने इन तमाम अपने जो पैराडाइम्स हैं या जो व्यू पॉइंट्स हैं इनको साइड पे रखने आप रखें और बड़े न्यूट्रल अंदाज में इस स्टेटमेंट को पढ़ें। तो इसको जो बेसिक लिटरल मतलब है पहले उसे समझें कि एग्जैक्टली वो क्या कह रहा है। सवाल ये है कि क्या हमारे मुल्क में कभी रूल ऑफ लॉ अचीव हो सकता है या नहीं, रियली एज सिंपल एज दैट। सिर्फ ये पूछा जा रहा है क्या हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी हो सकती है या नहीं। सो जब आप अपने टॉपिक को उर्दू में या जो आपकी जो भी लैंग्वेज है उसमें ट्रांसलेट करके अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए दिमाग में बिठा लेंगे, फिर उसके बारे में आपके लिए आर्ग्यूमेंट्स फॉर्म करना आसान हो जाएगा, नंबर वन। नंबर टू ये कि आप अपने रेलेवेंट लेन रहना है इसके जवाब में। अगर आप रूल ऑफ लॉ के जवाब में फॉर एग्जाम्पल आप बात करना शुरू कर देंगे जुडिशियल सिस्टम की कि जुडिशियल सिस्टम किस तरह से इम्प्रूव करें, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। अगर आप बात करेंगे रूल ऑफ लॉ में हमने पुलिस को किस तरह रिफॉर्म करना है, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। अगर आप अपना आर्ग्यूमेंट ये बनाना शुरू कर दें कि जी हमने रूल ऑफ लॉ हमारे मुल्क में क्यों नहीं आ सका, तो दैट वुड ऑल्सो बी सॉर्ट ऑफ इनकरेक्ट। ठीक है, सवाल आपसे पूछा है कि क्यों हमारे मुल्क में आ नहीं सकता, क्या ऐसे ड्रॉबैक्स हैं या क्या ऐसे वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से हमारे मुल्क में कानून की हुक्मरानी नहीं होती। इसलिए एज सिंपल एज दैट, इसमें और कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। अब इसके लिए आर्ग्यूमेंट, अब मैं क्या इसमें आर्ग्यूमेंट बना सकता हूँ, मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे मुल्क में जो हमारा सिस्टम है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम वो स्ट्रांग नहीं है, इसलिए हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आता। इसी तरह अगर हम कहें कि जी हमारे मुल्क में सजा और जजा का जो सिस्टम है वो रिलायबल नहीं है, इसलिए हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं आ सकता। इसी तरह मैं आर्ग्यूमेंट बना सकता हूँ कि हमारे मुल्क में रूल ऑफ लॉ इसलिए नहीं आ सकता क्योंकि हमारी जो हिस्ट्री है वो हमेशा से रेबेलियस नेचर की रही है, हमने हमेशा कानून के खिलाफ जद्दोजहद की है, इसलिए हमारे नेशनल एटीट्यूड में कानून को अपोज करना लिखा गया, इसलिए हमारे मुल्क में कानून की इज्जत और बालादस्ती कभी नहीं हो सकती। सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो दीज आर सम ऑफ द आर्ग्यूमेंट्स दैट आई वुड मेक व्हेन आई एम अटेम्प्टिंग दिस क्वेश्चन। लेकिन इररिलेवेंट नहीं होना, ऐसा ना हो कि आपने कुछ लोगों का ऑप्शनल क्रिमिनोलॉजी हो और आप क्रिमिनोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से जुवेनाइल जस्टिस सिस्टम और जनाब प्रोसिक्यूशन और फलाना डिमटाना पे आप ऐसे लिख के बैठ जाएं क्योंकि आपने उसके अंदर लफ्ज पढ़ लिया लॉ का या रूल ऑफ लॉ का, तो दैट वुड बी इनकरेक्ट। स्टेटमेंट है उसको सिंप्लीफाई करें, अपने माइंड में बिठाएं, उसको समझें और फिर उसको आंसर करें। तो ये हमारा पहला टॉपिक हो गया।
अगेन मेरा था कोई जो है ना मेन चीज जो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ वो ये है कि हमेशा रेलेवेंट रहें, कोई भी टॉपिक को खास तौर पे क्वेश्चन बेस्ड ऐसे में रेलेवेंट रहना सबसे ज्यादा जरूरी है, दैट इज द की, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब एक बार इसकी एग्जांपल देख लेते हैं, एक और सवाल जो है ना पास्ट पेपर में वो था, इज कलोनियल मेंटेलिटी इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। ये जनाब आपका हो गया टॉपिक नंबर टू। ये अब इसको भी हम ट्रांसलेट कर लेते हैं पहले अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, वो ये है कि क्या हमारे मुल्क को जो तरक्की नहीं होने दे रही, जो चीज़ हमारे तरक्की नहीं होने दे रही, क्या वो हमारी गुलामाना कॉलोनियल ज़हनियत है। कॉलोनियल मतलब जो हमारी बेसिकली हमारी हिस्ट्री है कि हम हमारा खित्ता जो है वो अंग्रेज़ों के गुलामी में गुजरा, सो दैट कॉलोनाइजेशन वाली जो हिस्ट्री है, क्या वो हिस्ट्री और उसके नतीजे में जो मेंटालिटी हमारे मुल्क में पैदा हो चुकी है, क्या वो हमारे हमें तरक्की करने से रोक रही है, यस और नो, आपने इसकी आर्ग्यूमेंट बनाना है। अब सपोज आप कहते हैं कि यस कॉलोनियल मेंटालिटी इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, तो आप उसमें आर्ग्यू करेंगे कि किस तरह से हमारे मुल्क में आज भी पुलिस फोर्स को बतौर कोर्सिव टूल इस्तेमाल किया जाता है, जो कि एक कॉलोनियल हेरिटेज है हमारा, जिसके अंदर जिसने हमारे अंदर एक कॉलोनियल मेंटालिटी पैदा कर ली है कि हम सिर्फ डंडे की जबान समझते हैं। सो दिस वुड बी आवर आर्ग्यूमेंट इन फेवर ऑफ सेइंग कि यस कॉलोनियल मेंटालिटी इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। लेकिन अगर आप कहते हैं कि नहीं कॉलोनियल मेंटालिटी डज नॉट इम्पीड पाकिस्तान प्रोग्रेस, तो उस केस में यू विल आर्ग्यू कि फिर और क्या रीजन हैं जो कि पाकिस्तान की प्रोग्रेस को रोक रहे हैं। लेकिन अगर आप मेरे से मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू पूछें तो आई वुड से यस कॉलोनियल मेंटालिटी इज इम्पीडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस। अब इसकी मैं कोई खास आपको हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं बता सकता, लेकिन इफ यू लुक एट इट इन अ माइक्रो वे एंड इट माइट बी बिट हार्ड टू यू नो सॉर्ट ऑफ कनेक्ट कि मैं इसको किस तरह से एक्सप्लेन करूँ, लेकिन यहाँ पर इस टॉपिक में दे हैव पॉइंटेड आउट अ वेरी स्पेसिफिक थिंग दैट इज होल्डिंग बैक पाकिस्तान प्रोग्रेस। सो इससे हमें अंदाजा मिलता है कि मे बी देर एक्सपेक्टिंग अस टू टॉक अबाउट इट कि why colonial mentality is impeding Pakistan's progress, why is Pakistan not progressing due to colonial mentality, so maybe they want you to talk about colonial mentality only. अगर इस केस में आप कहेंगे no colonial mentality is not impeding Pakistan's progress, तो essentially आप एक बड़ा general से ऐसे लिख रहे होंगे कि जनाब पाकिस्तान क्यों नहीं progress कर रहा, पाकिस्तान में तालीम की कमी है, पाकिस्तान में health के वो नहीं है, पाकिस्तान में opportunity नहीं है, पाकिस्तान में ये मसला है वो मसला है, that would be a very general essay. In a grand scheme of things, you would be deviating from the topic itself. The topic आपके सामने रखा गया है, आप उससे हटकर इधर उधर के जवाब दे रहे हो, rather than focusing on what is truly being asked, which is colonial mentality. Now, focus के हर topic में एक ना एक key word होता है। पहले topic में जो हमने देखा था वो था rule of law. इसमें colonial mentality. तो आपने key word को focus करना और फिर अंदाजा लगाना है कि examiner आपसे क्या चाह रहा है। तो दिस वुड हैव बीन माय अप्रोच के सिंस दे हैव रियली यू नो पिन पॉइंटेड वन इशू दैट दे थिंक इज होल्डिंग बैक पाकिस्तान प्रोग्रेस, सो दे एक्सपेक्ट मी टू टॉक अबाउट इट, दे डोंट एक्सपेक्ट मी टू गिव देम लिस्ट ऑफ व्हाई पाकिस्तान इज फेलिंग और व्हाई पाकिस्तान इज नॉट प्रोग्रेसिंग ड्यू टू अदर फैक्टर्स, दे एक्सपेक्ट मी टू टॉक अबाउट व्हाई कॉलोनियल मेंटालिटी इन पर्टिकुलर इज होल्डिंग बैक पाकिस्तान। आई होप दिस इज क्लियर, आई होप आई एम नॉट कॉम्प्लिकेटिंग इट टू मच। अगर किसी का तो ये पॉइंट समझ नहीं आया तो प्लीज यहाँ भी बता दे, हैंड रेस्ट करते, आई विल एक्सप्लेन इट अगेन अगर किसी को समझ नहीं आया। जी जी बताएं साजिद, आपने हैंड रेस्ट की बताएं। ओके नो क्वेश्चन देन लेट्स स्टार्ट, आगे चलते हैं। सो आई होप ये पॉइंट क्लियर हो गया, अब लेट्स गो ऑन टू द अदर टॉपिक। तीसरी जो टाइप ऑफ एसे है वो है कंफ्यूजिंग एसेज। फॉर एग्जांपल ये मैं मिसाल यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप पढ़ें, लिटरेचर इज अ लोनली प्लैनेट ऑफ आइडियलिस्ट्स। ये मेरे लिए बड़ा कंफ्यूजिंग टॉपिक था, उसकी एक वजह तो ये है कि मैंने कभी लिटरेचर पढ़ा नहीं है, और बेसिकली इसमें जो कंफ्यूजिंग पार्ट है वो ये है कि वी डोंट नो व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग अस टू राइट ऑन। ये लिटरेचर इज अ लोनली प्लैनेट ऑफ आइडियलिस्ट। अब इसके लिए जरूरी है कि आपका लिटरेचर का बैकग्राउंड हो, आपको पता हो कि लिटरेचर और आइडियलिज्म में क्या रिलेशन।
फिर आप उस रिलेशन को डिफाइन करें और फिर उसके ऊपर 2500 या 2000 वर्ड्स का ऐसे लिखें. फॉर मी दैट वुड नॉट हैव बीन पॉसिबल. तो आप में से जो लोग इंजीनियरिंग कर रहे हैं या जो लोग बीबीए में हैं या किसी और डिग्री में जिनका लिटरेचर का बैकग्राउंड नहीं है, और तो मेरी एडवाइस है कि इस तरह के कन्फ्यूजिंग एसेज से दूर रहें बिकॉज दे आर ऑलवेज वेरी डिफिकल्ट टू डील विद. इसी तरह एक और टॉपिक जो मेरी नजरों से गुजरा था वो भी मैं लिख देता हूँ यहाँ पर. ओके, मॉडर्निटी इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट. ये है जी आपका एक और टॉपिक. ये भी एक कन्फ्यूजिंग ऐसे. आई डोंट नो व्हाट दे एक्सपेक्ट अस टू टॉक अबाउट इन दिस. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज मॉडर्निटी, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ इट इज एन अनएंडिंग प्रोजेक्ट. फिर आपने ये भी अंडरस्टैंड करना है कि अनएंडिंग प्रोजेक्ट से क्या मुराद है. आर दे सेइंग मॉडर्निटी कभी रुकती नहीं और हमेशा चलती रहती है, और आर दे टॉकिंग अबाउट समथिंग एल्स. सो इट इज अ वेरी कन्फ्यूजिंग टॉपिक. और इसको यहाँ पे लिखने का मकसद ये है कि आई वॉन्टेड टू टेल यू अबाउट कि किस तरह के एसेज को अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि यू कैन नेवर मेक सेंस ऑफ दम. इसी तरह एक और टॉपिक था, समटाइम्स वी डो नॉट सी वॉट वी सी. अब ये स्टेटमेंट आप पढ़ें, ये बड़ी बेसिक स्टेटमेंट है कि बहुत दफ़ा हमें वो चीज़ नज़र नहीं आती जो हम देख रहे होते हैं. लेकिन इसको जब मैंने उर्दू में ट्रांसलेट कर भी लिया तब भी मुझे समझ नहीं आई कि मैंने इसके ऊपर क्या लिखना है. एग्जामिनर इसमें मुझसे क्या चाह रहा है, इसमें कोई इंडिकेशन नहीं. बड़ी जनरल सी स्टेटमेंट है, और जहाँ जहाँ जनरल स्टेटमेंट आती है वहाँ पर इंशाल्लाह ताला आपको ये थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग मिलेगी कि जनरल टॉपिक में आपके पास कोई डोमेन नहीं होती. आप जस्ट फ्री हैंड आप किसी भी टॉपिक के ऊपर बात कर सकते हैं, किसी भी डायमेंशन में जा सकते हैं. और जब आप किसी भी डायमेंशन में जाएंगे तो हो सकता है कि आप वो डायमेंशन टच ना कर पाए जो ये एग्जामिनर चाह रहा है. जैसा मैंने पहले बताया था, एग्जामिनर वांट्स अस टू बी वेरी रेलेवेंट, और रेलेवेंट के लिए आपने जरूरी है कि आप समझ जाए कि एग्जामिनर आपसे क्या चाह रहा है. अब इन तीनों टॉपिक्स में, खासतौर पर आखिरी टॉपिक में, वी डू नॉट नो, वी हैव नो आइडिया व्हाट द एग्जामिनर इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस. एंड दैट इज व्हाई आई वुड एडवाइस यू कि इस तरह के टॉपिक से जरा दूर रहा जाए. एक और जो टॉपिक की टाइप है वो है कोलन बेस्ड ऐसे, जिसमें वो जो सेमी कोलन या कोलन आ जाती है वो जो है वो भी हमारे सामने काफी सारे एसेज इस तरह के एग्जाम में आ जाते हैं. मैं उसकी मिसाल दे देता हूँ आपको. एक्सपैंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अकर्स और अ ब्लेसिंग. ये आपके सामने एक ऐसे, इसमें बात की गई है कि किस तरह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, क्या वो हमारे लिए कर्स है या वो हमारे लिए ब्लेसिंग है, क्या वो हमारे लिए फायदेमंद है या वो हमारे लिए नुकसानदेह है. तो इसमें जो हमारी अप्रोच होनी चाहिए वो बड़ी सिंपल है. आप को एक स्टांस ले लें कि जी इट इज़ इन फैक्ट अ ब्लेसिंग, फिर उसकी फेवर में आर्ग्यू करें, फिर उसके अगेंस्ट आर्ग्यू करें, प्रोज एंड कॉन्स लिस्ट करें, और फिर उसके बाद अल्टीमेटली जो अपना वर्डिक्ट दे दें कि वेयर डू यू स्टैंड ऑन दैट टॉपिक, एंड दैट शुड बी इनफ फॉर यू टू स्कोर गुड मार्क्स. तो एक तो एग्जाम्पल ये होगी. इसी तरह एक और ऐसे आया था, वर्ल्ड एज अ ग्लोबल विलेज लर्निंग टू लिव टुगेदर. ये भी इसी तरह का टॉपिक है. जो कोलन बेस्ड टॉपिक्स होते हैं उनमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये होती है कि यू कैन ऑलवेज सॉर्ट ऑफ मेक सेंस. वाई यू कैन मेक सेंस, क्योंकि वो काफ़ी लंबे होते हैं, काफ़ी एक्सप्लेनेटरी होते हैं, काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी होते हैं. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर जो बात हो रही है वर्ल्ड एज ए ग्लोबल विलेज में, वो आपसे ये जानना चाह रहे हैं किस तरह से जब दुनिया में डिस्टेंसेज कम हो जाएंगे तो किस तरह दुनिया में कोहैबिटेशन या कोऑपरेशन ज़्यादा आसान हो जाएगी, और किस तरह से कोऑपरेशन को मजीद पॉसिबल बनाया जा सकता है. This is what this essay is demanding. No complexity in this. इसी तरह एक और टॉपिक आया था, प्रमोशन ऑफ टैक्स कल्चर इन पाकिस्तान, पर्सपेक्टिव प्रॉस्पेक्ट्स एंड चैलेंजेस. ये आपके सामने एक और टॉपिक है, इसमें भी कोलन है, और इसमें भी बड़ा सिंपल सीन है. आपने सिर्फ ये बताना है कि टैक्स कल्चर को प्रमोट करने के पीछे क्या मुहरिकात है, क्यों करना चाहिए, फिर प्रॉस्पेक्ट्स पे आ जाएं कि इससे फायदा क्या होगा, और फिर चैलेंजेस पे आ जाएंगे हमें क्या चैलेंजेस दरपेश होंगे अगर हम टैक्स कल्चर को प्रमोट करते हैं. रियली सिंपल, रियली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, एंड आई थिंक इट इज अ वेरी गुड टॉपिक टू राइट ऑन. इसी तरह एक और टॉपिक था, द क्रिएशन ऑफ न्यू प्रोविंसेस पाकिस्तान, इम्प्लीकेशंस फॉर एन इंटीग्रेटेड कंट्री. अगेन ये भी बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सा टॉपिक है कि आपने बताना है कि जी अगर हमारे मुल्क में नए सूबे बनते हैं तो उससे हमारे मुल्क के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे. और नोटिस करें कि एक की वर्ड यहाँ पे जो है
वो है इंटीग्रेटेड, यानी कि जुड़ा हुआ, यानी कि कनेक्टेड। तो हमारे जैसे मुल्क जहाँ पर एक फेडरेटिंग फेडरल सिस्टम है, उस मुल्क में नए प्रोविंसेस बनाने का क्या असर होगा हमारी यूनिटी पे, हमारी इंटीग्रेशन पे, हमारी इंटीग्रिटी पे क्या असर होगा, इसके ऊपर आपने असर। तो अगेन आई होप द आइडिया इज क्लियर कि यू हैव टू फोकस ऑन द कीवर्ड्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये हमारा हो गया टाइप्स ऑफ एसेज। आई होप आप सबके क्वेश्चन इसमें जो भी होंगे वी लास्ट देम इन द एंड, लेकिन आई होप देयर इज नो मेजर कंफ्यूजन एट दिस पॉइंट। आई थिंक दिस वाज व्हाट यू एक्सक्यूज मी सर, जी बताइए सर, जैसे आपने ये टॉपिक बताया ना कि एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी अ कर्स और अ ब्लेसिंग। ये मारिया ने पहले से हैंड रेज किया, पहले इनसे पूछ लो। जी मारिया बताएं आपका हैंड रेज। सर मेरा ये सवाल है कि जो यही ये जो टॉपिक जिस टॉपिक का नाम ले रही थी या फिर जिससे पे बात कर रही थी कि ऐसा हो सकता है कि हम प्रोज एंड कॉन्स दोनों की बात करें, मतलब एक तरह से हम उनके स्टेटमेंट को एग्री भी करें एक तरह से डिसएग्री भी करें। थीसिस स्टेटमेंट जो मैं बताऊंगा कि थीसिस स्टेटमेंट जो होती है हमारा जो फर्स्ट पॉइंट होता है हमारी आउटलाइन में, थीसिस स्टेटमेंट में आपने अपना स्टांस क्लियर रखना है कि आई एम ईदर इन फेवर ऑफ इट और अगेंस्ट इट, एक साइड जरूर चुनें। फिर उसके बाद आप बेसिक प्रोज एंड कॉन्स बताएंगे कि इसके फायदे ये हैं नुकसान ये, लेकिन आपकी स्टांस पहले डे से फ्रॉम द वेरी स्टार्टिंग पॉइंट क्लियर होनी चाहिए। अब वो स्टांस किया वो आज थोड़ा टाइम शॉर्ट है तो शायद हम कवर ना कर पाए, लेकिन नेक्स्ट सेशन हम जरूर करेंगे, पूरा स्ट्रक्चर हम देखेंगे ऐसे किस तरह से बनता है। बट फॉर नाउ व्हाट यू नीड टू नो इज कि आप बेशक ऐसे में एक्सप्लेन करें क्या पॉजिटिव हैं क्या नेगेटिव्स हैं, लेकिन यू हैव टू पिक एक साइड, यू कांट से ये दोनों साइड्स अच्छी, यू हैव टू पिक वन स्टार्स एंड यू हैव टू स्टिक टू इट, यू हैव टू आर्ग्यू इन फेवर ऑफ इट, एंड देन व्हेन यू आर्ग्यू इन द ऑपोजिट साइड देन यू हैव टू काउंटर दोज आर्ग्यूमेंट्स एज वेल, जो आप उसके अगेंस्ट दे रहे हैं उसको भी खत्म करना है, सो दैट यू कैन प्रूव दैट व्हाट यू आर आर्ग्यूइंग फॉर इज एक्चुअली द राइट आर्ग्यूमेंट। तो इसलिए ये अच्छा, बड़ा जरूरी है। ये जो हम शुरू में करते हैं मतलब जनरल स्टेटमेंट्स हम मतलब शुरू कर रहे होते हैं ना ऐसे को, तो उसमें हम कर सकते हैं कि किसी भी मतलब वो कोई भी एस्पेक्ट होता तो उसके कोई नेगेटिव भी उसमें आते हैं और कुछ पॉजिटिव में होते हैं, उस तरह से शुरू कर सकते हैं हम इस तरह के टॉपिक्स को कि दो साइड्स होते हैं किसी भी मैटर के। मतलब ये कहना चाह रही है जब आप ऐसे स्टार्ट करें तो यू स्टार्ट लाइक तो इसके अंदर हम लोग क्या तीन स्कोरिंग पॉइंट्स लेंगे या फिर हमारे स्कोरिंग पॉइंट्स यही हैं अकर्स और अ ब्लेसिंग, इसको हमने प्रूव करना है। तो ये जो पहले वाला है एक्सपेंडिंग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम लोग सिर्फ इसको स्कोरिंग पॉइंट की तरह लेंगे या फिर उसको सिर्फ हम लोग इंट्रोडक्शन के अंदर इन तीनों चीजों को आपस में एक रिलेशन सा बना के बता देंगे शुरू में। आपको बताया कि जी हमारे दुनिया में ना एआईटी जो है वो एक्सपैंड हो रही है, अब आप हमें बताएं कि क्या ये फायदेमंद है या क्या है नुकसान, ठीक है, उसको आपने एक्सप्लेन नहीं करना है क्यों आईटी एक्सपैंड हो रही है, उसकी क्या वजह है, आपने बस ये बताना है कि आईटी जो एक्सपैंड हो रही है उससे फायदा हो जाए नुकसान हो जाए, फायदा हो जाए तो कैसे हो जाए, नुकसान हो जाए तो कैसे, ठीक है, क्लियर, ठीक है, थैंक यू। आसान आपने क्वेश्चन दिया। अस्सलाम वालेकुम उज़ैर भाई। उज़ैर भाई मेरा क्वेश्चन ये था कि आप इसे में जब कोई आर्गुमेंट देना चाह रहे हैं तो क्या आप अपने कोई जो आपका कोई अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है उसको एज एन आर्गुमेंट यूज़ कर सकते हैं इन ऐसे, जैसे आपका टॉपिक था कि इस कॉलोनियल मेंटालिटी इंपेडिंग पाकिस्तान प्रोग्रेस, इसमें अगर हम देखें तो इन पाकिस्तान डिग्निटी ऑफ जॉब है उसको इतनी नहीं है किसी भी जॉब की डिग्निटी, अगर कोई बंदा छोटी जॉब करता है तो उसे यानी मतलब इतनी रेस्पेक्ट नहीं दी जाती है, वेयर इज इन यूरोपियन कंट्रीज या यूएस में आप देखें तो डिग्निटी ऑफ जॉब कंपैरेटिवली ज़्यादा है। तो मैं ये पूछना चाह रहा था कि ऐसा कोई अगर पर्सनल एक्सपीरियंस आपका है तो इसको एज एन आर्ग्यूमेंट आप अपने इसे में यूज़ कर सकते हैं, इसको आप आर्ग्यूमेंट में यूज करके बताओ आप कैसे यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं अपने आर्ग्यूमेंट में डिग्निटी ऑफ जॉब को यूज करना चाह रहा हूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि इन पाकिस्तान में जो अगर आप मतलब गुलामी वाली सोच अगर हम सोचें तो अगर कोई छोटी जॉब करता है तो उसको छोटा इंसान समझा जाता है,
मतलब तो आप प्रोफेसर क्लास में लिखना होगा कि इन पाकिस्तान द कॉलोनियल मेंटालिटी अटैचेस स्टिग्मा टू मेनियल जॉब्स. ये जो आपने सारे टॉपिक्स लिखे हैं यही हमारा सी एस एस का एग्जाम है और हम एग्जाम में बैठे हुए हैं, तो सर इन सब टॉपिक्स में से हम कौन सा सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लीज इसमें आप थोड़ा सा गाइड करें या जो हमें अटेम्प्ट करना चाहिए. देखिए उसमें तो ट्राई टू गो फॉर स्टेटमेंट बेस्ड. मैं आपको अपनी एग्जांपल दे रहा हूँ, हर इंसान का अपना अपना एप्टीट्यूड होता है. पहली चीज़ तो ये कि जिसमें आप कंफर्टेबल फील करें वो चूज करें, ठीक है, नंबर वन. नंबर टू ये कि मैं अगर होता ना तो मैं या तो डेमोक्रेसी इलिटरेसी के क्वेश्चन पे को अटेम्प्ट करता या फिर मैं क्लासरूम डिसाइड द फ्यूचर ऑफ नेशन, ये भी था, ये मैंने शायद लिखा नहीं यहाँ पर लेकिन ये भी एक टॉपिक था. इन दोनों में से कोई एक टॉपिक यूज करता. उसकी वजह यह है कि मैंने जब ऐसे की तैयारी की थी तो मैंने डेमोक्रेसी के ऊपर एक दो ऐसे लिखे थे, नंबर वन. नंबर टू ये कि जरा स्टेटमेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड है. मैं हमेशा प्रेफर करता था कि ऐसे ऐसे लिखूं जिसका टॉपिक बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हो. स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसे होता है उसमें आपको कोई लंबी चौड़ी साइंस नहीं मारनी पड़ती, लंबी चौड़ी इंटरप्रिटेशन नहीं करनी पड़ती, तो वो आपके लिए ईजी हो जाता है. तो मैं मेरी अप्रोच होती है, लेकिन आपको ये करना है कि आपने खुद अंदाजा लगाना है कि आप किस में कम्फर्टेबल है. एक और चीज़ जो आई थिंक मैं बताना भूल गया था वो ये है कि जब अपने एग्जाम में जाएंगे ना, देखो दो चीज़ें होती हैं ऐसे. पहला होता है कि आपने आउटलाइन बनानी है. आई डोंट नो अब CCE में क्या आउटलाइन बनाना जरूरी है या नहीं, लेकिन CSS में था. और मैंने अपने ऐसे जो 3 hours थे ना उसमें से 1.5 hours सिर्फ और सिर्फ आउटलाइन बनाने में लगाया था. आप अपनी आउटलाइन एक्सीलेंट बना लें, उसके बाद आपने उस कन्वर्ट जो करना है वर्ड्स में पूरा ऐसे लिखना है, दैट कम्स लेटर. सो स्पेंड 1 hour ऑन आउटलाइन और मे बी 1.5 hour ऑन आउटलाइन एंड देन द रेस्ट ऑफ 1 hour ऑन द एसे. क्योंकि आपका एग्जामिनर जो है ना उसके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो पूरी पूरी आपके एसेस पढ़ रहे, तो वो आपके आउटलाइन से अंदाजा लगाते हैं कि क्या आपने सही से टॉपिक को इंटरप्रेट किया है या नहीं. तो आउटलाइन होती है और फिर ऐसे होता है. ऐसे बेसिकली आउटलाइन पे ही बेस्ड होता है. हम आउटलाइन के ऊपर मजीद डिस्कशन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, बट माई पॉइंट है कि आउटलाइन के ऊपर टाइम दें, पेपर में जाएं, पहले टॉपिक सारे पढ़ें, सर कौन से अंडरस्टैंड करें, कौन सा टॉपिक आपको पसंद आया, उसके ऊपर रफ से पॉइंट्स जॉट डाउन करें, मेन आर्ग्यूमेंट्स पेपर के एंड पे जॉट डाउन करें, फिर उसको ट्रांसलेशन की फिर उसको आउटलाइन की फॉर्म में प्रॉपरली स्ट्रक्चर्ड तरीके से लिखें. अब वो कैसे लिखना है आउटलाइन को वो मैं आपको अगले सेशन में बता दूंगा, बट दिस इज हाउ द जनरल स्कीम ऑफ थिंग्स इज हाउ यू गो अबाउट राइटिंग योर एसे. अरसलान आपका क्वेश्चन है. जी उजैर भाई, मैं असल में आपने आउटलाइन की बात की तो उसके बारे में पूछना चाह रहा था, बट यू सेड कि वो अगले सेशन में डिस्कस होगा, लेकिन मैं पूछ लूं क्वेश्चन. जी उजैर भाई, आउटलाइन से आप क्या, यानी जो हम ब्रेनस्टॉर्मिंग कहते हैं बिफोर राइटिंग एन एसे, आप उसको मीन कर रहे थे, तो क्या वो आउटलाइन होते हैं बेसिकली? अब आपका जो है ना एग्जामिनर आपकी आउटलाइन ऐसे सीएसएस में वो डिमांड करता है कि मेक एन आउटलाइन एंड देन राइट योर एसे. Outline is basically sort of headings of your essay. कि आपने किस चीज़ के ऊपर essay लिखी है. आपकी headings होती हैं, उसमें आपके arguments होते हैं, उसमें आपके ending remarks होते हैं. वो मैं आपको पूरा explain कर दूँगा. It would become clear to you. Ibrahim, आपके पास question. Ibrahim Shuja. Assalam alaikum sir. Sir, मेरा भी question outline के हवाले से ही था sir, कि अगर हम आउटलाइन को फ्रेज के फॉर्म में लिख सकते हैं या सेंटेंस के फॉर्म में लिखना जरूरी है सर, कौन सा तरीका जो है बेस्ट रहेगा? मैं सेंटेंस की फॉर्म में लिखता था. ओके, इट्स अप टू यू, दोनों तरीके सही है. पॉइंट्स की फॉर्म में भी लिख दो सही है, सेंटेंस की फॉर्म में लिख दो, दैट इज आल्सो फाइन. मनाल आपका क्वेश्चन. अच्छा सर, क्या आप एडवाइस कर सकते हैं कि जो बिल्कुल बिगिनर्स हैं वो जब ऐसे लिखना शुरू करें और उनको ऐसे का फोबिया भी हो, तो वो किस तरीके से काम अपना स्टेप बाय स्टेप शुरू करें कि वो आराम से उसको कैटर कर दें? जैसे मैं बैठती हूँ ऐसे के लिए तो मटेरियल देखने के लिए तो वो सुबह से रात हो जाती है और कुछ निकलता भी नहीं है, बनता भी नहीं है, और बस एंजाइटी सी होती रहती है. तो कोई इस तरह से कुछ सजेस्ट कर दें कुछ? इसमें दो अप्रोचेज हैं. एक अप्रोच तो ये है कि आप इसकी रिसर्च करें. जब भी आप ऐसे लिख रही हैं ना, इंटरनेट के ऊपर बैठ जाएं, वहाँ से आर्गुमेंट्स फॉर्मुलेट करें, रिसर्च करें. मसला ये है कि उसमें टाइम बड़ा लगता है. तो उसका शॉर्टकट तरीका है वो ये है कि आपने जो नॉलेज अभी तक गेन कर ली है
उसी नॉलेज को इस्तेमाल करें। आपने आई एम श्योर आपने अखबार पढ़ा होगा, आपने और भी बहुत सारी किताबें भी पढ़ी होंगी, तो जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको इस्तेमाल करके अपने ऐसे में ट्रांसफॉर्म करें। आई थिंक दैट इज वन अप्रोच। लेकिन दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन और ये काफी सीरियस कंसर्न भी होता है। मेरी एडवाइस है कि रिसर्च करेंगे ना अगर आप इस स्टेज पे ऐसे की रिसर्च करना बहुत काउंटर प्रोडक्टिव। आपको स्क्रैच से स्टार्ट करना पड़ेगा, इट डजंट मेक सेंस। जो नॉलेज है उसी नॉलेज को इस्तेमाल करो, उसी नॉलेज को फिट इन करो अपने ऐसे। और कई दफा ऐसा होता है ऐसे, फॉर एग्जाम्पल ये डेमोक्रेसी वाला ऐसे है, इसमें आप कॉमन सेंस और आपकी बैकग्राउंड नॉलेज दैट वुड बी इनफ। यू कैन ऑलवेज से कि डेमोक्रेसी क्यों नहीं चल सकती। आई एम श्योर आपका इतना तो माइंड चलता ही है कि आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि जहालत की वजह से डेमोक्रेसी काम क्यों नहीं करती, इट्स जस्ट कॉमन सेंस। तो 3-4-5-6 आर्ग्यूमेंट कुछ ना कुछ खींच तान के आप बना ही सकते हैं, प्रीटी श्योर। उसके लिए कोई एडवांस रिसर्च की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि टॉपिक ऐसा चूज करें जिसमें कोई बहुत बड़ी साइंस ना हो, जिसमें आप जनरल बातें भी लिख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये डेमोक्रेसी एंड इलिटरेसी, इसमें जनरल बातें भी लिख के आप कामयाब हो सकते हैं। मैंने सारी जनरल बातें लिखी थी, मेरा एसएफ पास हो गया। ऐसा टॉपिक चूज करें जिसमें आपको कोई बहुत ज्यादा रिसर्च रिक्वायर्ड ना हो। अब फॉर एग्जाम्पल ये जो आपका टॉपिक है, ये जो न्यू वॉर फ्रंट्स लाई इन इकोनॉमिक जोन्स, ये ऐसा टॉपिक है जिसको बड़ी रिसर्च की जरूरत है। आपको पता होना चाहिए कहाँ कहाँ ट्रेड वॉर हो रही है, कहाँ पर ट्रेड एग्रीमेंट्स फेल हो रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इस तरह के टॉपिक्स इसलिए अवॉइड करने चाहिए। ऐसे टॉपिक चूज करें जो कि जनरल से हो, जिसमें आप जनरल आर्ग्यूमेंट्स अपनी कॉमन सेंस से नॉलेज से दे सकते हैं। आई होप दैट विल हेल्प यू। ठीक है, बट ये है कि आप जस्ट यूज योर नॉलेज। ये भी कहा जाता है कि अगर आपने एक पैराग्राफ लिखा और उसके अंदर कोई रेफरेंस नहीं ऐड किया, कोई कोट या कोई कोई फिगर्स, तो वो सारा काट दिया जाएगा। गलत गलत गलत, ये ऐसी कोई बात नहीं। मैंने अपने पूरे ऐसे में एक कोटेशन दी थी, turned out fine, no problem. Thank you. जी सोनिया। सर मेरा सवाल ये है कि mostly mentors जो हैं ये suggest करते हैं कि इससे जो है आप argumentative essay जो है उसको आप opt ना करें and you go for descriptive essays. तो सर आपका इससे क्या से है, क्या मार्क्स जो है, कोई ऐसा बंदा जिसकी एक्सप्रेशन इतनी अच्छी नहीं है फिर भी अगर वो ऑप्ट करते हैं आर्गुमेंटेटिव से, तो इसमें कितना रिस्क फैक्टर है सर? व्हाट इज योर टेक ऑन दिस? डिस्क्रिप्टिव ऐसे जनरली इजी होता है, लेकिन उसमें ये है कि आर्गुमेंट किस तरह के फॉर्म करेंगे आप, उसमें आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू किस तरह से एक्सप्लेन करेंगे, इट्स अप टू यू, रियली इट इज अप टू यू। आप जिसमें कंफर्टेबल फील करते हैं आपने वो ऐसे लिखना है। किसी की बात मत सुने कि जी ये इजी है, ये डिफिकल्ट है। जो आपको इजी लग रहा है, जो आपको सेंस बना रहा है, जस्ट डू दैट, सिंपल एज दैट, दैट्स ऑल। ठीक है, सो आई होप देयर आर नो मोर क्वेश्चंस। किसी के और सवाल हो तो आई एम ऑलवेज देयर इन द व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें भी आप पूछ सकते हैं। जी शरीफ, आपका सवाल, लास्ट क्वेश्चन, देन वी क्लोज द सेशन फॉर टुडे। मैं अपना नंबर लिख देता हूं, यू कैन ऑलवेज मैसेज मी हियर कोई भी सवाल हो। सर मेरा क्वेश्चन है वो थीसिस स्टेटमेंट जो अभी आप बता रहे थे, थीसिस स्टेटमेंट के बारे में, तो उसका प्रॉपर प्लेस कौन सा होगा? यानी टोरिस की कितनी लेंथ होनी चाहिए थीसिस स्टेटमेंट की, या वो अलग हेडिंग देखना? नेक्स्ट सेशन में डिटेल में डिस्कस करेंगे सर, वी विल डू इट इन डिटेल नेक्स्ट सेशन। गैलेक्सी A20s। अस्सलाम वालेकुम सर। सर मैंने ये पूछना था कि बेसिकली जो कोटेशंस वगैरह हैं सच कि जहाँ पे लॉ की कुछ आर्टिकल्स या सेक्शंस वगैरह अगर उनको वहाँ पे कोट करना हो तो कितने हद तक लिख सकते हैं और किस तरह से कितना लिख सकते हैं? सर मैं ये कोटेशन अगर आप कोट कर रहे हैं बहुत अच्छी बात है, उसको ब्लैक से जरूर लिखें, क्योंकि बाकी ऐसे आपने ब्लू में लिखा होता ना, तो जब कोटेशन लिखें या कोई स्टैट दें उसे ब्लैक से लिखें, बड़ा फायदेमंद रहता है। ठीक है, तो उससे बड़ा अच्छा कर जाएगा, लेकिन ना भी लिखे तो इशू नहीं है, लिखने तो बहुत अच्छी बात। थैंक यू। अली जावेद, अली जावेद, ओके। शाजिया बतूल, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि वाइल राइटिंग एसे पैराग्राफ में मेरा लिंक नहीं होता, वो एक एम्बिग्युटी रह जाती है, तो मैं उसको कैसे खत्म कर सकती हूँ? यार ये थोड़ा मुश्किल सवाल, टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे खुद आइडिया नहीं है इस तरह से कनेक्ट करें। देखिए इस ये जो ऐसी चीज़ है एक्सप्रेशन पर डिपेंड करती है ना, आप कितना लिखते हैं, आपकी राइटिंग प्रैक्टिस है, तो खुद बहुत चीज़ें कनेक्ट हो जाती हैं। इसके अलावा कोई खास मैं एडवाइस नहीं दे सकता एक्सेप्ट कि आपकी राइटिंग प्रैक्टिस खूब करें, दैट्स ऑल आई कैन से। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह वी विल हैव नेक्स्ट सेशन, उसमें इंशाल्लाह वी विल डिस्कस स्ट्रक्चर।
of the outline. ठीक है, thank you so much, Rana साहब, over to you. और I think we should end this session with some about planning. Thank you so much. Allah Hafiz, everyone.